자, 계속 이어 말씀드립니다. 예, 우리가 하나님이 처음에 세상을 만드실 때, 창세기 1장 31절에 보니까, 모든 만물을 인간과 함께 만드신 다음에, 보시기에 힘이 좋았다. 이렇게 말씀하셨습니다. और खुदा ने जब सारी दुनिया को बना लिया, पैदा कर लिया, तो खुदा ने बनाने के बाद क्या कहा? बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।하나님이 만드신 그 당시에 창세기 1장, 2장 때볼때 하나님 만드신 세상은 하나님 말씀대로 이루어진 세상입니다. तो अगर हम पैदाइश की पहला बाब उसकी दूसरी आयत देखें तो लिखा हुआ है, तो इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। पैदाइश पहला बाब पहली है।그래서 하나님이 보실 때 힘이 좋았다고 말씀하셨습니다. 또 उसके बाद जब खुदा ने लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है कि और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, तो उसको क्या कहा कि रोशनी अच्छी है।그러나 하나님께 범죄하고 사단에게 속아서 범죄하고 하나님 떠난 다음부터는 세상이 보기가 좋지 않아요. तो जब से खुदा ने, जब से लोगों ने, पहले तो सब अच्छा था, लेकिन जब से ये गुनाह इस दुनिया में आया है उस वक्त से ये सब अच्छा नहीं है।중요한 사실이 있는데 하나님이 말씀으로 이루어진 세상은 보기 좋고 아름답고 아주 굿 이렇게 된 것입니다. यानी कि जो दुनिया खुदा ने बनाई थी वो अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो दुनिया है वो पहली दुनिया से मुख्तलिफ है।그때는 하나님의 눈으로 우리에게 하나님께서 우리에게 우리 영안을 이미 열어주신 상태로 있기 때문에 하나님 만드신 것이 다 믿어지고 보여지는 것입니다. 이슬리에 그 मसीह यीशु में है, 이슬리에 खुदा ने हमें जो है हमारी रूहानी आंखें खोली हुई है, और हम इस दुनिया को जो खुदा ने पहले बनाई थी देख सकते हैं, पद हम पढ़ सकते हैं।그런데 하나님 떠난 다음부터는 죄로 우리의 눈이 어두워진 거예요. लेकिन गुनाह के वजह से हमारी आंखें जो है वो ये क्या है, वो आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है।이게 창세기 3장 사건이라는 것입니다. और ये है पैदाइश का तीसरा बाब, यहां से ये मसाइल शुरू होते हैं।그래서 창세기 1장과 2장에 하나님이 주신 말씀대로 이루어지는 세상과 कि अगर पहला बाब और दूसरा बाब देखें, और ये वो दुनिया है जो खुदा ने अपनी मर्जी के साथ बनाई और खुदा में ही परवरिश कर रही थी।창세기 3장으로 사단이 들어옴으로 말미암아 하나님 말씀을 어기고 범죄해서 하나님 떠난 세상은 완전히 바뀐 겁니다. 또 हम देखते हैं कि खुदा जब गुनाह हुआ तो गुनाह इस दुनिया में आया, तो उसकी वजह से ये दुनिया जो है वो बिल्कुल बदल गई।그래서 여러분, 이제 우리가 세상 사람이 말하는 세상을 보는 게 아니고 하나님이 우리에게 말씀하시는 그 말씀으로 세상을 봐야 합니다. तो मेरे चीजों के हमें चाहिए ये कि जो दुनिया बातें करती है वो नहीं, लेकिन हमें खुदा की दुनिया को देखना है, जो खुदा ने दुनिया बनाई थी उस दुनिया को देखना। 그래서 이 세계관이라는 것은 뭐냐면 안경을 말하거든요. 눈을 보는 거예요. 우리가 어떤 눈으로 세상을 보느냐 이런 걸 말하는 것이죠. 그 दरअसल ये है कि खुदा हमारी आंखें खोल ले मसीह में, ताकि हम खुदा की दुनिया को देख सके। जो खुदा ने दुनिया बनाई थी वो कैसी थी, यानी कि अच्छी दुनिया थी, शैतान की दुनिया जो वो बुरी दुनिया है।마약에 중독된 사람은 모든 그것이 보일 때 어떻게든지 마약으로 중독된 상태로 세상을 보는 것이죠. तो जब लोग जो नशा करते हैं, जब वो नशा करते हैं तो उनको नशे की हालत में दुनिया नजर आती है, उनकी अपनी एक दुनिया होती그래서 마약이 주는 세상은 아주 마약 먹을 때는 너무너무 기분이 좋고 아주 세상이 좋게 보이지만 사실은 그건 마약으로 인한 잘못된 이 눈이, 생각이 열린 거죠. है। तो आपको पता है कि जब लोग नशा करते हैं तो क्या करते हैं, नशे की हालत में उनको बड़ा
अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन वो दुनिया अच्छी, लेकिन जैसा ही नशा खत्म हो जाता है और सारी दुनिया ही बदल जाती है।그래서 마약이 떨어지고 이제 깨고 나면 오직도 계속 마약 중독자들은 마약만 찾고 마약이 어디 있나 이런 것만 관심이 되는 그런 눈만 열리는 겁니다. 또 उनकी जो नशेई होते हैं उनकी आंखें सिर्फ इसी तरफ खुलती हैं कि ये या सोच यहां तक होती है कि हमें ये नशा कहां से मिलेगा और हम जो कहां से हासिल करेंगे, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ नशे की तलाश होती है। उनकी सोच, उनका दिलो दिमाग सिर्फ नशे की तरफ कि वो मिले तो हमारी जिंदगी में कुछ खुशी आए। 마약 중독자가 마약을 먹고 나서 아무리 아름답게 세상에 보여도 그것은 진짜 세상이 아니에요. 그 अगर नशेई है जो नशा करके एक दुनिया को देखता है उसे बड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन दरअसल वो सही दुनिया को देख नहीं रहा, वो नशे में देख रहा। 그런 다른 알코올 중독자도 마찬가지예요. तो इसके साथ साथ वो लोग जो शराबी हैं वो भी इसी तरह के ही लोग हैं। 돈에 현대인들은 물질주의로 생각이 들어와 있기 때문에 돈만 있으면 잘 먹고 잘 산다고 생각합니다. 또 이런 तरह जो पैसे के पुजारी पैसे के पीछे भागते हैं, उनको भी सिर्फ यही होता है कि पास पैसे आ जाए बस फिर मेरा ठीक ठाक हो जाएगा, बस पैसे आ जाए मेरा फ्यूचर ठीक हो जाए, मेरा ये पैसा सिर्फ नजर आता है। 그래서 현대인들 물질주의자들은 한 사람의 영혼이나 그 사람의 미래에 대해서 별로 생각을 못 합니다. 물질로만 생각해 사람도. तो लोग भी सिर्फ दुनियावी चीजों के पैसे के चक्कर में रहते हैं, उनकी आंखें भी सिर्फ वहीं तक है, उनकी सोच भी वहीं तक है जहां तक पैसा है, उसके अलावा उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती। 그래서 여러분, 얼마나 우리가 보는 눈이 어떤 것을 통해서 보느냐에 따라서 모든 게 이렇게 바뀝니다. तो हमें किस तरह हम इस दुनिया को देखते हैं, किस तरह हमारी सोच है, हमें इसको तब्दील करना है। 그런데 하나님이 세상을 만들었고 주인이기 때문에 하나님이 말씀하시는 말씀으로 보는 눈이 진짜입니다. और जो हम कलाम के जरिए खुदा की दुनिया को देखते हैं वो सच्ची और सही दुनिया है। 그러면 하나님께서 우리에게 세상을 정확히 말씀하시는 내용이 무엇이냐? 이게 성경입니다. तो ये है कि इसका इनवान क्या है, या जी चीजें बताई जाती हैं वो कहां से आई, कैसे पैदा हुई, उनके इनवान, ये बाइबल सिर्फ इन चीजों के बारे में बताती है। 결국은 모든 세상은 하나님 뜻대로 되어지고 마지막으로 마무리가 되겠습니다. और ये सब कुछ खुदा ने बनाया है और आकर एक दिन इनका अंजाम भी होगा। 그래서 세상을 바라볼 때 내가 생각하는 세상 말고 세상 사람들이 말하는 세상 말고 하나님이 말씀하시는 세상을 우리가 확실하게 보아야 합니다. तो हमें भी ये दुनिया नहीं बल्कि वो दुनिया जो खुदा ने बनाई है उस दुनिया को देखना चाहिए। 그러기 위해서 우리가 하나님 말씀을 배우고 특별히 우리는 구원의 길을 통해서 하나님이 말씀하시는 세상이 정확한 것을 볼 수 있게 되었습니다. 또 हम निजात हासिल करके मसीह में इस दुनिया को जो है वो सही तरीके से देख सकते हैं। 원래 인간 오리지널 맨 원래 인간 두 번째로 타락한 인간 तो हम पहले जो है वो पहले देख सकते हैं ओरिजिनल मैन के किस तरह खुदा ने इंसान को बनाया था और दूसरा कि किस तरह वो पस्ती में गिरा। 그다음에 타락한 인간의 삶의 형태들 और उसके बाद जो जाल में जो फंसे हुए हैं, दलदल में दंते हैं, वो मुश्किलात को देखना। 그다음에 인간이 이 문제를 해결하려고 노력하는 인간들의 노력하는 내용들 और वो तमाम चीजें जो दुनिया में अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग तरीकाकार अपनाते हैं। 그러나 인간의 노력으로 계속해서 인생 문제가 해결이 안 되는 것을 알고 하나님께서 우리에게 열어주신 구원의 방법, 구원의 길. तो फिर निजात की राह कि किस तरह हमने निजात हासिल करनी है, ये तरीकाकार क्या है निजात का।
그리고 구원 방법, 어떻게 구원을 받는가 하는 구원의 방법에 예수 그리스도가 나오죠. तो वो है कि किस तरह हमने निजात हासिल करनी है, जब निजात हासिल करनी है तो वहां पर हमें मसीह यीशु का जिक्र मिलता है। ओजिक उनेरो मिदुमोरो यीशु क्रिस्तो를 영접해서 구원받은 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. कि सिर्फ हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करके ही निजात हासिल करके ही खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं।그다음에 구원받고 나서 하나님의 자녀 된 사람이 가지고 있는 신분과 권세가 무엇인가? के जो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं उनकी शनाखत और उनका अख्तियार क्या है। इन नेयोंगदेरुल उरीगा बारुगे अल्गो हनानी मालसमोरो जोंगनीहानेन गोसी नोमुनोमु जुंगेहाबिदा। तो हमें इसके इसकी मुकम्मल तौर पर इन चीजों को मुनज्जम करना चाहिए, तब ये बड़ा जरूरी है, तब हमें सही हर चीज का इल्म होगा। कुरमुनुन हनानी मानदुशिन सेसांगुल 정확하게 볼 수 있고 우리가 미래를 정확하게 갈 수 있습니다. तो हम खुदा के फरजंद होते हुए हमें मुस्तकबिल के मुस्तकबिल को भी हम इस तरह जान सकते हैं।우리 하나님 말씀 가운데 베드로전서 2장 9절의 말씀 있어요? हां जी निकालें जी पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी नामी आयत है। 확인해 봅시다. हां जी पढ़ें जरा जी पहला पत्रस दूसरा बाप उसकी नाम ही आया था जी तुम एक बरगजीदा हाँ जी पढ़े जरा दुगा इलुगो बायो हाँ जी कोई ना कोई पढ़े जी जी तुम एक बरगजीदा नस्ल शाही काहनों का फिरका मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है की खास मलकियत जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीफ करो अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है आमीन आमीन। 중요한 사실은 내가 생각하는 내가 아니고 하나님이 나에게 말씀하시는 내가 누군가를 정확히 알아야 합니다. तो ये नहीं है कि मुझे कोई बताता है, मुझे खुदा बताता है कि मैं कौन हूँ। ये है मसीह यीशु में अपनी शनाखत को देखना कि हम है कौन। 하나님이 말씀하시는 세상을 정확히 알아야 합니다. तो हमें खुदा की इस तरह जो बनाई हुई दुनिया है उसको अच्छे तरीके से देखना है। 그리고 하나님이 말씀하시는 역사 모든 인류의 역사에 대한 하나님이 뭐라고 말씀하시는가 이게 바로 정확한 바르게 보는 눈입니다. और वो आंखें हमारी खुदा खुली रखेगा जिससे हम खुदा के पूरे कामों को उसकी कुदरत को जो है वो सही तरीके से अच्छे तरीके से देख सके। 그래서 이런 우리 기독교 세계관이라는 감옥을 통해서 정확하게 하나님이 말씀하시는 세계 인간, 우리의 미래, 역사 이런 걸 정확하게 정리하는 시간표가 되기를 원합니다. 우리가 그 वक्त होना चाहिए कि मसीह यीशु में रहते हुए हमें इंसान, पस्ती, नजात और अपने मुस्तकबिल के बारे में मुकम्मल तौर पर खुदा हमारी इस कला रूहानी आंखों के जरिए ये मुस्तकबिल को देखने की खुदा हमें तौफीक अता करे कि हमने आगे क्या करना है, आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है। उरीगा सेगेगाने 종류를 이제 다른 얘기 하나 더 하겠습니다. 세계관의 종류를 이렇게 한번 그동안 역사 속에서 어떻게 세계관이 진행되었는가를 한번 볼 수 있 볼 수 있습니다. तो हम किस तरह इस दुनियावी आंखों के साथ जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। 우리 그리스 신화도 알고 로마 신화도 압니다. तो हम अपने को भी जानते हैं, हम रोम के यानी के हिस्ट्री को भी जानते हैं। 그 당시 사람들은 신화적으로 세상을 이해했어요. तो लोग जो है ईमान के बारे में और कुछ भी बड़ा बहुत कुछ कहते हैं। बो जेउस 신이 있다든지 또는 올림푸스 뭐 열두 신이 있다든지 이런 얘기입니다. ये वो कहते हैं कि किस तरह दूसरे देवता भी इस दुनिया में रहते हैं। 그러나 점점 인간들의 이성을 중심으로 하는 세계가 열렸죠. 이성 중심으로 한 세상. तो हमें पता चलता है कि किस तरह हम आस्ता आस्ता जो खुदा हमारी आंखें खोलता रहता है और हमें दुनिया के बारे में पता चलता रहता है। 그래서 우리가 아는 대로 소크라테스라는 사람이 나왔어요. तो हम देखते हैं सुकरात ने क्या कुछ कहा हिस्ट्री में। कदा में प्लेटोन अरिस्टोटेलिस
और प्लाटून एस्ट्रस वो उसके बारे में अरस्तु जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं इस सामदरन 세상을 어떻게 보냐면 인간의 이성 이성을 정확한 이성을 가지고 진리를 보고 세상을 판단하는 게 옳다고 본 겁니다. और ये है कि वो अपनी सोच के साथ दुनिया को देखते हैं ताकि सच्चाई के मुखालिफ चल सके 근데 여러분 우리 이성이 아무리 똑똑하게 정신 차리고 잘 보더라도 우리 이성도 늘 잘못 판단할 때 있고 문제를 많이 일으킵니다. 예, 우리 인간의 सोच कितनी है? हम कितना सोच सकते हैं? हमारी सोच के जरिए मुश्किलात भी आ सकती हैं, गलत काम भी हो सकते हैं। हम अपनी सोच के मुताबिक सब कुछ नहीं कर सकते। 인간 이성을 무시할 수는 없지만 인간 이성을 진리의 판단으로 세상을 보름 바라보는 바른 판단으로 이걸 기준 삼을 수는 없는 거예요. 다르틀 우리 सोच है वो सच्चाई तक नहीं जा सकती। सिर्फ हम दुनियावी चीजों को ही देख सकते हैं। 드디어 기독교가 로마에 들어왔어요. तो हम देखते हैं कि किस तरह मसीहत जो है वो रोम में फैली, रोम में दाखिल हुई। 그때 하나님께서 로마를 통해서 복음을 전달하셨습니다. तो उस तरह किस तरह खुदा ने रोम में इस कलाम को रोमी लोगों तक पहुंचाया? 아, 하나님이 세상을 창조하신 여호와 하나님이 계시는구나. तो फिर हमें उन्हें पता चला कि हाँ यहोवा खुदा जो है वो वाकई जिंदा खुदा है। 아, 하나님을 떠나서 인간들이 문제 왔구나. कि खुदा से अलहदा होने से ही इंसान के मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं। 아, 그래서 예수 그리스도로 하나님이 구원의 길을 열어 주셨구나. तो फिर हमें यह भी पता चलता है कि हाँ खुदा ने मसीह यीशु के जरिए हमारे लिए निजात की राह खोली है। 눈에 안 보이지만은 이 세상 나라에서 하나님 나라가 이루어지고 있구나. कि ये दुनिया नहीं बल्कि इस दुनिया में खुदा की बादशाही जो है वो नजर आ रही है या कायम हो रही है। 그리고 역사의 마지막에는 역사가 마지막 주님이 그리스도로 재림하시면 모든 것은 다 정리가 되고 끝이 되고는가. ये भी हमें पता है कि जब आखिर होगा क़यामत आएगी तो मसीह यीशु जो सब कुछ लपेटने के लिए इस दुनिया को इस दुनिया में आएगा तब ही इस दुनिया का खात्मा होगा। हनानिमी सेनुगा सेतांगल मंदिशिनुगुना कि फिर पता चलेगा कि ये सब कुछ जो है वो खुदा ने बनाया और खुदा ही इसको खत्म करने वाला है। यरोबन जुमियान इरोन नोलाउन हनानिमी मंदिशिन सेगे मोदन 시작과 마지막까지가 하나님 말씀으로 정확하게 우리가 정리해서 볼 수가 있게 된 것이죠. 이게 सब कुछ जो खुदा ने बनाया इस दुनिया में जो हमें बाइबल में नजर आता है जब खुदावंद यीशु आएगा और ये खात्मा होगा इसके लिए हमें सब कुछ बाइबल में दर्ज है नजर आता है तो हमें हम इन रूहानी आंखों के जरिए इनको हम देख सकते हैं। 그런데 중세가 돼서 이게 복음을 잃어버리고 점점 종교로 바뀐 거예요. 종교로. लेकिन इस मिडिल एज में आकर ना पहला ना आकर मिडिल एज में आकर मजहब ने आकर मजहब ज्यादा हो रहा है और खुदा की खुशखबरी कम होती जा रही है। कृपया उरीगा पोथुंग ए 종교 그리스 종교나 또는 러시아 종교회 로마 종교회 이게 전부 다 뭐냐면 종교화되어진 복음은 없어지고 기독교가 종교화되어진 현상입니다. 이게 किसी का माइक खुला हुआ है तो माइक जरा बंद कर दे वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स भी है और उसके बाद रशिया ऑर्थोडॉक्स है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स रोमन ऑर्थोडॉक्स ये इतने ज्यादा इन्होंने ऑर्थोडॉक्स बना लिए हैं मिशन बनाए हुए हैं कि हमें खुद नहीं समझ आती कि ये कलाम की बात नहीं करते अपने अपने फिरकों की अपने अपने मजहबों की अपने अपने तरीकेकार की बात करते हैं। इरदा बोनिका 하나님이 주신 말씀으로 이루어지는 세상에 대한 정확한 그 눈이 어두워져 가지고 사람들이 하나님을 더 갈급하니까 찾기 시작해서 종교 개혁이 일어난 거예요. 루터와 칼빈으로. तो हम देखते हैं कि क्योंकि खुदा जो है वो हम आंखें देता है लेकिन लोग अपने तरीके कार से अपनी आंखों से देखते हैं दुनियावी आंखों से बल्कि उन्होंने तो मार्टिन लूथर और कैल्विन जॉन कैल्विन के भी नजरियात को
मजहब में तब्दील कर दिया है कि वो कलाम नहीं, खुशखबरी नहीं, बल्कि वो मजहबी तौर पर उन तमाम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमें जो है वापस इन मजाहिब को रसूम को छोड़कर, रस्म और रवाज को छोड़कर, हमने दोबारा खुदा कहता है बाइबल मेरे कलाम की तरफ देखो, किस तरफ आओ। 그리고 다른 어떤 것보다도 가장 성경의 중심이 인간이 하나님을 만나서 완전히 하나님의 구원의 눈을 받게 되는 것은 예수 그리스도를 통해서만이다. 이렇게 정확하게 알게 된 겁니다. 또 이제 하면 बताया जाता है कि दूसरी बातों में नहीं बल्कि खुदा हमारी आंखें खोलता है कि ये कलाम ही सब कुछ और मसीह यीशु के जरिए ही निजात मिली और मसीह यीशु के जरिए ही हमने खुदा बाप से हमारा मुलाप होना है। 그래서 프로테스탄트 저와 여러분이 지금 믿고 있는 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만이란 비밀을 우리가 정확한 언약의 말씀으로 받게 된 겁니다. 또 함 जो है प्रोटेस्टेंट जो है खास तौर पर जो प्रोटेस्टेंट में हम लोग हैं, हम सिर्फ तीन चीजों पर जो ज्यादा जोर देते हैं, यीशु ही मसीह है, खुदा की बादशाही और पाक रूह की मुरी, इसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यही कलाम हम लोगों को दे रहे हैं। 그리고 500년이 흘렀어요. 500 साल गुजर चुके हैं। 지금 전 세계 교회가 이 성경적 오직 성경적 세계관이 많이 무너졌습니다. तो हम देखते हैं कि जो हमारी रूहानी है, रूहानी आंखें या हमारा लाइफस्टाइल था रहने का, वो इस कलाम के मुताबिक अब नहीं रहा, कलाम के मुताबिक। 지금은 제 4차 산업에 제 4차 산업 혁명이 지금 진행되고 있잖아요. 또 함 देखते हैं कि ये तकरीबन चौथी सदी है जो बिजनेस के तौर पर इसमें चल रही है। 여러분 알고 있는 대로 AI 인공지능 시대가 됐어요. 예, वो कहते हैं कि AI के यानी कि तुम्हारी अपनी जो सोच और معیار है वो क्या है या जो मनसुई वो सोच बना रहे हैं। 그래서 여러분 가상 현실이라는 거 들어봤어요? 메타버스. 아, 이제 또 메타버스가 यानी कि जो लोग नजरिया पेश नजरिए पेश करते हैं उन नजरियों के साथ क्या? 초월한 세계, 인간이 만들어 놓은 또 다른 세계를 또 이렇게 그 이 또 다른 세계를 이 과학 기술로 이렇게 지금 SNS를 통해서 이렇게 열어가고 있습니다. तो अब SNS के जरिए वो क्या कर रहे हैं, ये मिडल एज है और इस मिडल एज को एक नए तरीके से चलाना चाह रहे हैं, ना पहला गया दूसरा आखिर नहीं, अब नए तरीके से इसको SNS की तरीके से मनसूई तरीके से चलाना चाहते हैं लोग। यरुबुन यरुबुन दी युवा हो गए इसमें YouTube, तो आपको पता है कि YouTube का आपको सबको पता है, Facebook और Facebook का भी पता है, Instagram और Instagram को भी पता है आपको, तो Netflix और तो इसके अलावा Netflix और काफी ऐप्स है। 이러한 현대 문명으로 이루어지는 가상 세계가 계속 지금 열리고 있어요. तो इस इन जितने भी ऐप्स आपको बताए इनके जरिए क्या आप दुनिया में हर चीज को देख सकते हैं, जो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, किस तरह दुनिया चल रही है, ये मीडिया के जरिए जो है वो सब कुछ अब हो रहा है। 그래서 지금 사람들은 점점 더 이상한 세계로 그런 들어가고 있어요. तो अब लोग जो है वो रियलिटी को छोड़कर इस मनसूई दुनिया में लोगों की बातों की तरफ चलकर अब जिंदगी बसर कर इस दुनिया में लोग दाखिल हो रहे हैं। 이런 세계가 점점 우리의 이 정신 세계, 세상을 바라보는 이런 정확한 하나님이 주시는 말씀의 기준이 없으면 헷갈려 가지고 거기에 빠지게 된다고 말해요. अगर हमारा जो मैबर है, हमारी सोच जो है, अगर कलाम पर मरकूज नहीं होगी तो फिर ये दुनियावी दुनिया जो है हमारी रूहानी दुनिया पर काबू पा लेगी और हम भी खुदा से पीछे हटकर दुनियावी चीजों की तरफ रागब हो जाएंगे। अफरो मीरे जमजम इगे थो सीमा देगो जमजम फलचन दिल कमीदा, तो ये जो जो साइंस है ये और तरक्की करती जाएगी और ये और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि जी आप कौन से पास्टर, कौन सी बात करते हैं, ये दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई, तुम अबे इसी बाइबल की किताब में लिए जा रहे,
ये दुनिया आने वाली है, ये लोग तरक्की करने वाले। इसके दिमें जम-जम तो सेकेनुन योंग्चों मुंजे चंग्शी मुंजे का तो शिमे जिल कमिता। तो इस तरह से जो है वो रूहानी मसाइल, जस्मानी मसाइल, ज़हनी मसाइल का भरपूर मुजाहरा कीजिए, लोगों में अजाफा होता जाएगा इन चीजों। ने ये इरोहान बुबंदरल दुगा चक्को इन्हें समदान्चे, समदान्चे मुंजे आलजियो। तो आपको पता है कि ये चीजें कौन, ये किन, ये कौन इन चीजों को परवान चढ़ा रहा है? वो है तीन तंजीमें। अब आपको मैंने एक दो तीन दफा बताया भी है, लेकिन अब आपको फिर आप कहेंगे जी वो तीन तंजीमें क्या है, आपको नहीं पता होगा वो तीन तंजीमें कौन सी हैं जो इन चीजों को परवान चढ़ा रही। हाँ जी, फ्रीमेसन आपको अब बताने लगे। हाँ जी, साई भी चोंग्यो तंचे युदेइन आप सोच ले जरा, मैं बताने लगा हूँ, आप तीन तंजीमें लिख लें जिन्होंने ये उदम मचाया हुआ है। वो है न्यू एज, वो है फ्री मेसन और वो है जूश आइडियोलॉजी। ये तीन चीजें हैं जिन्होंने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है ताकि वो खुदा की तरफ ना जाए दुनियावी चीजों पर। हाँ जी, न्यू एज फ्री मेसन, फ्री मेसन और जुआ शेडियोलॉजी यानी के यहूदियों की तालीम, उनका तरीकेकार जो वो बताते हैं। ये मुक्सानी ये कुरेसो यरुबन ये से दांचे सम दांचे का सेगे जंगबु रागुनन सेगे धानिल जंगबु दुरबासोयो 세계 단일 정부를 꾀하고 있습니다. 전 세계를 통합해서 예, 예. 전 세계를 다 정복하려는 그런 야심을 갖고 있어요. 또 이게 저 तीन तंजीमें है ना, ये मिलकर अब कर क्या रही हैं कि ये खुदा को पीछे छोड़ देना चाहते हैं और ये इस मीडिया के जरिए, दूसरी दुनियावी चीजों के जरिए इस दुनिया पर गालिब आनी चाहती है ताकि खुदा की तरफ नहीं। ये दर्द है, किसका काम है? ये सारा शैतान का काम है और शैतान ने इन तीन तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों को खुदा से हटाकर इस दुनिया पर मीडिया के जरिए, दूसरी दुनियावी चीजों के जरिए इन पर गालिब आया जाए। तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये सारा काम लोग नहीं बल्कि लोगों के जरिए शैतान ये सारा कुछ कर रहा।사단이 준 메시지, 인간이 결국은 신이 되라는 이 메시지를 그대로 지금 만들고 있는 거예요. 그 वो जो कलाम जो हम पढ़ते हैं तीसरे बाब में कि तुम खुदा की मानत बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज भी शैतान यही बात कर रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानत बन जाओगे। यही बात है सिर्फ। 이렇게 세계관이 혼란된 세상에서 저와 여러분이 남은 자로서 복음을 오직 복음을 가진 남은 자로서 정말 정확한 그리스도의 세계관을 준비해야 합니다. 또 아프고 예, 대비 करनी है किन आंखों की, रूहानी आंखों की दुनिया को रूहानी तौर पर देख रहे हैं कि आप जो खुदा के बकिया है, खुदा ने आपको बचाया हुआ है ताकि आपकी आंखें जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक खुले और खुदा की सच्चाई को जानकर दूसरों तक पहुंचा सके। कैसे तो सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है खुदा का कलाम, कि खुदा का कलाम जो है इस वक्त हमें क्या फरमाता है कि हमने किस के किस तरह अपनी जिंदगी इस दुनिया में अब जो हालात और वाकया तो उसके मुताबिक किस तरह हमने जिंदगी गुजारनी। सबसे पहले खुदा के कलाम को हमने देखना है आज के हालात के मुताबिक। जिगम सेगे जन सेगे सेसांगे सेसांग कु सेगेगाने हरम들 우리가 알고 있는 포스트 모더니즘 또는 아까 말한 여러 가지 3단체가 주장하는 세계 정부 단일 정부주의 또 여러 가지 이런 미디어들을 통해서 지금 세상이 어떤 것을 추구하고 살아가고 있는가를 정확히 봐야 한다는 거예요.
तो जो सबसे पहले वो ये है कि हमने दुनियावी नहीं रूहानी आंखों से क्या देखना है। इस दुनिया का मीडिया वो तीन तंजीमें और जितनी भी खुदा से हटकर लोग बातें काम तालीम दे रहे हैं, हमने उनको सही तरीके से कलाम की रूह से देखना है कि ये सच्चाई पर मबनी है या नहीं है। सब झूठ, लेकिन वो झूठ को सच्चा करके बता रहे हैं। 그리고 마지막으로 아주 중요한 대목이 하나 있는데, 성경 하나님께서는 이렇게 마지막 때 어떻게 사단이 바라가면서 이런 수많은 사람들을 유혹하고 이상한 세계로 끌고 갈인가를 미리 말씀하셨다는 걸 보게 됩니다. 또 हम कलामे देख सकते हैं कि जब आखिरी जमाना होगा तो शैतान जो है वो बड़े अच्छे लोगों को, बड़े मज़बी यानी कि मज़बी किस्म के लोगों को जो खुदा की तरफ नजर आते हैं, उनको भी खींचकर दोसा की तरफ ले जाएगा। 그래서 우리는 앞으로 이걸 잘 면밀히 말씀으로 진단하고 정리하면서 그 문제들 앞으로 다가올 여러 가지 문제들을 정확하게 보고 미리 그 문제를 해결할 하나님 말씀으로 준비해야 한다. 또 हमें सबसे पहले तो ये कलाम को अच्छे तरीके से देखना है। फिर आगे आने वाले वाकयात की जो भी दुनिया में इस वक्त हादसात वाकयात जो भी दुनिया में रूनमा हो रहे हैं उनको हमने कलाम की नजर से देखना है। हाँ, ये कलाम में लिखा हुआ है और ये काम हो रहा है, ये खुदा की तरफ से है, ऐसे ही नहीं रूनमा हो रहा। ये है कलाम की हमने तैयार, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी की तैयारी करना। तो हमने चार चीजों को जो है रूहानी आंखों के जरिए, दुनियावी आंखों के जरिए देखने वाली चीजों को उनको मुनज़्ज़म करना है। 네 가지가 뭐냐면 기독교 세계관의 명제 네 가지. 첫 번째 타락. 게 किस तरह ये दुनिया जो है तबाह हुई या पस्ती में गिरी? 아니, 타락이 아니고 죄송합니다. 창조, 창조. 아. 게 सबसे पहले जो हमने चीज देखनी है वो है पदेश। ये चार चीजें आपने नोट करनी है, फिर आपको भूल जाएंगी ये अगर जब आपने बतानी है कि हमने पढ़ा आज क्या है दो दिनों में। पहला है पदेश, दुनिया की पदेश किस तरह हुई। 창조가 첫 번째가 창조고 두 번째 타락. और दूसरा है कि तबाही पस्ती इस दुनिया में किस तरह, गुनाह किस तरह इस दुनिया में आया। 세 번째 구원. और नंबर तीन है निजात। 네 번째 하나님 나라. और चौथा है खुदा की बादशाही। 이 네 가지의 기본 플레임, 하나님이 우리에게 말씀하시는 이 네 가지의 주제를 가지고 말씀으로 보게 되면 된다는 거예요. तो हम खुदा के कलाम के जरिए इन तमाम चीजों को रूहानी आंखों के जरिए देख सकते हैं। अगर हमें ये जब हम फोरम करेंगे तो ये आपने यही चार चीजों पर जोर देना है कि दरअसल खुदा हमें क्या दिखाना चाहता है। ये चार चीजें मेन है, इसके अंदर सब कुछ है। यरुबन, हनानिमी ओत्तम मुनिंगार उरिगा इमी मानी इखी धुक्को तो मन्नागिदो हागो अल्गो इच्चो। तो हमें खुदा कौन सा खुदा है जिसको हम मानते हैं, तो वो खुदा ने क्या किया है कि आप सब जानते हैं, इसको और बताने की जरूरत नहीं। कलाम में आपने बड़ा पढ़ा है, लोगों से भी बड़ा सुना है। समीर्थ हनानिम और वो पाक तस्ल इसको भी आप जानते हैं। ये समीर्थ हनानिम में भीमिरी उरिये गे उरिये साल में हंजांगे से उत्तके उरिये भुवन과 उरिये भुवन बदन जाए साल में आगो यंगिर देनगारल चाल 말씀으로 정리합니다. 또 हमने किस तरह इस दुनिया में रहना, किस तरह कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी, हमने इस कलाम से के कलाम के अंदर से ये सब कुछ देखना है। 그리고 그 삼일체 하나님의 각각의 그 예를 들어서 하나님 아버지는 말씀이죠, 말씀. 하나님 아버지는 말씀. 예, 예. हाँ जी, अगर हम देखे जाए तो ये पाक तस्लीस जो है वो पहला नंबर आता है खुदा का, और खुदा क्या है, कलाम है। यीशु क्रिस्तोनन सम चोजुर हेगराशिन पुवंजा। और दूसरा आता है मसीह यीशु, और वो क्या है, हमारा नजात दहिंदा जिसने ये काम कलाम को पूरा किया। संग्यों हनानिमन क्रिस्तोरो इरुशिन मोदन कुवनल मोदन यक्सा सुगेसो सरम दरेगे चोग्यों हनान कुवन यक्सा
역사, 적용하는 구원 역사. और रूह कुदुस के जरिए जो काम मसीह यीशु ने पूरा किया है वो हम में पाया तकमील तक पाक रूप पहुंचाता है, वो करता है बाकी काम। ठीक है, 성삼위 하나님의 역사의 비밀을 우리가 미리 알고 있잖아요. और ये है वो पाक तसलीस का भेद जो खुदा हमें पहले बताता है। 그래서 21세기에 우리 지금 살고 있는 이 세계 앞으로 기독교 세계관의 정립이 아주 필요하다는 거예요. 또 아메 조에보 드니아비 चीजों को देखने के लिए परखने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और हमने ये इसको देखना है. 그래서 기독교 세계관의 말씀을 가지고 모든 영역을 다 정확하게 볼 수 있는 그런 눈을 키워줘야 합니다. 또 아메 इन चीजों को जो है गौर से गहराई में जाकर इन पर गौर करना है, देखना है कि ये वाकई जो हमारी रूहानी आंखें हैं उनको हमने किस तरह खुदा के कलाम को इस तरह हमने देखना है और कलाम के मुताबिक चलना है. यही दरअसल किरुक्यो घरोंगन इधर क्या चीज़ ये कि किस तरह हमारी जो चंकवाने भुक्सानी और ये किसका ये पास्टर हरुण अपना जो माइक बंद कर ले वो आपका सारा शोर शराबा इधर सही तौर पे सुना नहीं जाता कि आप कर क्या रहे हैं. माइक बंद कर दे. 기독교 결혼관은 지금 세상 사람 말하는 결혼하고 다르게 어떻게 하나님께서 결혼을 준비하시고 만드시고 어떻게 결혼을 인도하시는지 이런 걸 정확하게 알아야 합니다. 또 मिसाल के तौर पर शादी की बात की जाए तो हमने लोगों को नहीं लेना कि लोग किस तरह की शादी चाहते हैं, खुदा किस तरह शादी में हमें रखना बंधन में बांधना चाहता है, शादी के बारे में खुदा का क्या ख्याल है, शादी क्या है, ये कलाम के जरिए हमने देख रहे हैं, ना के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं. वो शादी नहीं है, शादी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक बंधन है, उस बंधन को हमने देखना है. कदामे किदोक्यो घंजेगवान. और दूसरा है कि हमारी इकोनॉमी किदोक्यो ये यक्षवान. तो हमारी तारीख चर्च की तहरीक हिस्ट्री. 이렇게 하나님의 말씀으로 결혼, 경제, 역사 모든 영역을 다 볼 수 있는 눈을 정리하는단 말이에요. 또 हमें कलाम के जरिए जो है चर्च हिस्ट्री को देखने के लिए शादी, हमारी इकोनॉमी, हमारा कलाम के साथ जिंदगी बसर करने का तरीका कार, खुदा का काम जो हमारी जिंदगी में होता है, ये किसके जरिए तारीख चर्च की यानी कि तारीख में से हमें पता चलता है. 그래서 미래, 그래서 우리가 지금 우리 자신들이 준비할 우리 목사님들이나 지금 신학을 공부하는 여러분이 준비할 건 뭐냐면 여러분이 먼저 영적 서밋으로 준비돼야 합니다. 또 आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले रूहानी सुमत इसकी तैयारी करनी है, तो फिर ही दूसरे काम खुद ब खुद होंगे. 이 말이 무슨 말이냐면 우리가 단순히 책을 보고 지식을 정리하는 것뿐만 아니라 영적으로 하나님과의 영적인 소통으로 하나님의 영적인 말씀의 눈이 열려서 보고 말하는 것이 더 필요하다는 거예요. 예, 아니야. 그 हमने किताबें पढ़ के जिंदगी अपनी तैयार करनी है बल्कि रूहानी खुदा से रूहानी आंखों खोलने की तौफीक के मुताबिक हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी रूहानी तौर पर रूहानी सुमट में रहते हुए अपनी जिंदगी को मुनज्जम करना है. 그래서 지금 오늘 이 첫 번째 시간에는 우리가 어떻게 기독교 세계관을 가지고 정확하게 세상을 바라보고 정리하고 인도받을 수 있는가 이걸 말씀을 드렸습니다. तो हमने आज पहले शासन में क्या सुना कि हमने किस तरह इन दुनियावी दुनिया में रहते हुए दुनियावी आंखों के सामने रूहानी आंखों के को इस्तेमाल करना है ताकि हम खुदा की तमाम बातों को कलाम के जरिए रूहानी तौर पर देख सके, ना कि लोगों के पीछे लोगों की बातें सुने कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी को तैयार करना है. आपका दाशी हमन ओनल जिम मालसम दिरिन ओनल इस सिगाने मालसम दिरिन नेयोंगुल जोंगनिए बोजाम्योन जोंगाखान इ सेगेगान 사람들은 각기 가지고 있는 눈, 세상을 바라보는 눈, 어떤 돈을 바라보는 눈,
결혼에 대한 것을 바라보는 눈, 이런 눈들이 각각 세상에 있는데 그런 세상의 눈을 우리는 정확하게 볼, 왜 그 사람이 그런 눈을 갖고 있는지를 알고 있어야 한다는 거죠. 아그람 देखे इस दुनिया में दुनियावी तौर पर देखने वाली चीजें दुनियावी तौर पर लोग जो शादी करते हैं उनकी इकॉनमी उनका रहन-सहन तरीकेकार जो है हमने दुनिया की तरीकेकार का नहीं हमने रूहानी आंखों से इन चीजों का जायजा लेना और देखना और परखना है। कृष्ण कुलुसेसो 2장 8절 말씀을 보시면 हां जी कुलुसियों काले दूसरा बाब उसकी 8वीं है हां जी ये लिखा हुआ है दूसरा बाब 8वीं है कोई खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफानी और लासाल प्रेम से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है ना के मसीह के मुआफिक। यहां पर देखिए 누가 헛된 철학과 철학과 헛된 속임수 너희를 사로잡을까 주의하라 이렇게 말하죠. तो लिखा हुआ है कि खबरदार रहें एहतियात करें कि कोई आपको फलसफानी फलसफे से नहीं फलॉसफी बातें बताकर आपको ये हो जाएगा इन बातों से आपको कोई धोखा ना दे ये दुनियावी बातें हैं। 하나님 말씀으로 우리에게 말씀하시는 이 정확한 말씀으로 세상을 보지 않으면 세상의 여러 가지 잘못된 철학과 속임수에 우리가 빨리 들어간단 말이에요. 거기에 속을 수가 있어요. कि अगर हम इन चीजों को हमें बता दिया गया है अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो इसका मतलब है कि हम भी इन दुनियावी चीजों के धोखे में या फलसफे में आ सकते हैं इसलिए मैं पहले ही इससे खबरदार या आगाह कर दिया गया है। कृष्ण उरीगा जोंगाखान किदुक्यो सेगेगान ने गाजी आका दासी येगेत्तनायो कुगोल चांजो तारक गुओन हानानिम नारा इगोल 새롭게 정리하면 되겠습니다. 또 함에 좋아 뭐 चार चीजों में इन जो मेन चीजें हैं चार वो यही है आज के जिनको हमें रूहानी आंखों से दुनियावी नहीं रूहानी आंखों के साथ देखना है वो है पैदाइश कि दुनिया की पैदाइश कैसे हुई फिर इस दुनिया में तबाही कहां से शुरू हुई गुनाह कैसे आया यानी कि तीसरा है निजात हमने किस तरह हासिल करनी है किसके जरिए कहां से आई और चौथा है कि हमने खुदा की बादशाही को भी देखना है कि कैसे इस दुनिया में कायम करना है। कृष्ण잠시 쉬었다가 한 10분 쉬었다가 이번에 우리 최근에 우리 다락방에서 최근에 읽은 실대 흐름 그 실대 흐름을 우리가 어떤 이런 실대 흐름을 정리해서 어떻게 우리가 이런 방향으로 우리가 기독교 세계관을 잘 정리하겠다 이걸 말씀드리겠습니다. 아니지 아무래 이스케 바주 해보 되겠는게 그 다락방기 조 레헤레 उसके मुताबिक तालीम के मुताबिक हमने किस तरह इन चीजों को देखना है। ओके 10 मिनट रेस्ट कर ले। ये 10분 쉬었다가 ये तो 시작합시다 ये 이번에 예? 이번 시간에는 우리가 하나님 성경 전체적으로 하나님이 말씀하시는 가장 중요한 흐름을 좀 얘기하려합니다. 또 इस वक्त मैं वो हम लहर देखें जो खुदा खास चीजें हमें बताना चाहता है जो खुदा हमसे हम कलाम होकर बातें करना चाहता है वो चीजें हम देखेंगे। 그 중요한 흐름이 성경 66권에 잘 우리에게 보여주고 있습니다. 또 그다음에 뭐 레헤르 저 66 किताबों के अंदर है वो हमें खुदा जो सबसे जरूरी चीज है वो हमें खुदा दिखाएगा। 그걸 간단간단하게 우선 설명합니다. 또 हम इसका वक्तन फवक्तन हम इसका इसको बाइबल में देखते रहेंगे। 첫 번째 나는 누구인가? मैं कौन हूं? 자, 이 첫 번째 질문이 아주 중요한 겁니다. और ये जो सवाल है ये बड़ा अहम है।
내가 누구인가를 정확히 알면 다른 모든 것을 알게 되는 겁니다. अगर तुम्हें ये आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो बाकी चीजें भी आराम के साथ आप उनको भी देख सकते हैं। 그런데 우리가 인간 스스로 자신이 내가 누군가를 암만 질문해도 답이 안 나와요. तो अगर हम अपने आप को नहीं जानते हमें अपने आप को ही नहीं पता तो फिर दूसरों का जवाब चीजों का भी जवाब हमें नहीं मिलेगा। 왜냐면 인간은 하나님이 아니기 때문에 스스로 자기가 어디서 왔는지 어디로 가는지 내가 누군지 알 수가 없어. 예, 만약에 우리가 이 지도를 못 아는다면, 또 우리는 어디서 왔는지, 어디에 있는지, 어디에 살고 있는지, 어디에 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 있는지, 세상 사람이 말하는 나, 내가 생각하는 나, 그게 진짜가 아니라. 그 जो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि तुम ये हो तुम वो सच्चाई नहीं है. 하나님이 말씀하시는 나, 내가 누군가를 정확히 아는 것, 이게 아주 중요하죠. 그 सबसे जरूरी चीज है कि खुदा जो मुझे बताता है कि तुम कौन हो, उन चीजों पर गौर करना, उस सच्चाई को देखना. 하나님이 살아계시니까. 하나님께서 나를 만드셨기 때문에 부모님을 통하여 만드셨기 때문에 하나님 말씀을 통해서 내가 누군가를 정확히 알게 됩니다. 또 जो खुदा हमें मां-बाप से हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं मां-बाप कौन है जो खुदा की चीजें हमें बताते हैं तब हमें पता चलता है कि इसीलिए सबसे जरूरी आम बात है अपने आप को देखना अपने आप को परखना अपने आप को जानना कि मैं है कौन 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀된 나. 예, 구다만 예수 마시네, 지세 아픈의 프라잔드 호네 가악박차야, 그 내가 가운. 하나님의 성령이 내 안에 성전 삼으시고 내 몸을 성전 삼으시고 함께 하시는 나. 예, 지스 구다네, 무제 아픈이 헤클 만아야, 어르메 메레 사트 라타야, 내가 보. 저 로그 바타테야, 보니 저 구다 무제 바타타야, 내가 보. 하나님의 성령께서 내 마음과 생각을 깨닫게 해주셔서 나를 인도받고 있는 나. 예, 구다만의 저 무제 루박자, 저 무제 베다리 박자에게, 맨 무시미에 건후, 맨 보. 뿐만 아니라 성령께서 하나님의 영이신 성령께서 내 생각과 마음에 깨달음을 주시고 말씀을 읽을 때나 어떤 일을 당할 때나 깨달음을 주셔서. 하나님의 역사 속에 내가 있다는 걸 알게 합니다. 그래서 우리 हम ये जानते हैं कि जो खुदा ने मेरी आंखें खोली हैं मुझे बताया है और पाक रूह जो मेरी मुझे बेदारी बख्शता है मेरे साथ चलता है मेरी रहनुमाई करता है उसमें रहते हुए मैं कौन हूं मैं ये हूं खुदा के साथ 하나님이 우리 아버지고 나는 하나님의 자녀라는 걸 알기 때문에 기도하면 응답된다는 걸 아는 거라 ये सबसे पहले है कि मैं खुदा मेरा बाप है और खुदा मैं फरजंद हूं और मैं जो दुआएं करता हूं खुदा वो मुझे जवाब भी अता करता है 그래서 예수 그리스도 이름으로 기도하면 반드시 기도에 우리 하나님이 들으시고 응답한다는 걸 알고 있어요. ये जरूरी बात जानना है कि जो हम दुआएं मांगते हैं खुदा उन दुआएं सुनकर हमें उनका जवाब भी देता है. 하나님 말씀을 봅시다. आए हम खुदा के कलाम में से देखें. 요한일서 5장. 아지, 1라 요한나가 카타에 우스카 5마 밥. 11절부터 보세요. 예. 요한일서 5장 11절부터 15절, 예? 5절까지 읽어보세요. 15까지? 그렇지. 11절부터 15까지. 예. 아, 예, 알겠습니다. 아지. निकाला है कि नहीं आपने ये पहले मुझे बता दी तो मैं पढ़ने लगा हूँ हाँ जी वो पढ़े जरा फिर आयत कौन सी है पांच साहब 11 से 15 तक और गवाही ये है हाँ जी और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास
जिंदगी भी नहीं। पढ़ो 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 15 तक। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आमीन अगर आमीन 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 क्या सर मैं दिल के हो हाँ जी तस्वीर पाठन करेंगे। ये पहला योहन्ना 5वां बाब 11 से 15 तक। जो जिंदगी है हमेशा की जिंदगी वो खुदा हमें अता करता है। लेकिन खुदा से गुनाह करके खुदा से दूर होकर खुदा की हमेशा की जिंदगी को लोग भूल गए। और दोबारा खुदा ने इस जिंदगी को हमेशा की जिंदगी को भेजा वो हमेशा की जिंदगी किस में है मसीह यीशु में। यीशु क्रिस्त यंगेपन सरमन हनानी में सिंगमी इसयो और जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं उनमें हमेशा की जिंदगी होती है। क्रिसो 12절에 보니까 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다 이렇게 말씀하십니다. तो ये क्या लिखा हुआ है कि जिनके पास बारहवीं जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये पहला योहन्ना 5वां बाब उसकी 12वीं आयत है। 우리가 하나님의 자녀로 태어나는 것 하나님의 생명으로 태어나는 것은 요한일서 5장 1절을 보면 답이 나와 있어요. तो अगर हम पहला बाब पढ़े 5वां बाब पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है जिसका मान यह है कि यीशु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। योहन्ना 5장 1절 읽어봐요। हाँ जी पढ़े जरा भाई पहला योहन्ना 5वां बाब उसकी पहली आयत पढ़े आपको पता चल जाएगा कि हम यीशु ही मसीह पर क्यों जोर देते हैं क्यों हम कहते हैं कि यीशु ही मसीह। आप देखें जरा पढ़े ये साफ लिखा हुआ है जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन आमीन। नतीजा निकला है ना आज फिर कि क्यों यीशु मसीह मानने हैं। निकला है निकला है। क्रिस्त इसमें मिनन जगह हनानिम के रोते होना था आज के जिसके ये ईमान रखता है जो ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह है वो किससे पैदा हुआ है वो खुदा से पैदा हुआ। 예수를 그리스도로 믿으면 우리 안에 하나님의 생명이 들어와요. 그 जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा की जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है वो हम में आ जाती है। 하나님의 생명이 들어오면 영원한 생명이기 때문에 우리 안에서 영원한 생명이 시작됩니다. तो क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी है और जब वो हमें मिलती है तो हम में से भी हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाती है। 그래서 우리가 하나님의 영원한 생명을 받은 우리는 이미 영원한 생명 속에 살고 있는 겁니다. 지금. 또 इसका मतलब है कि हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो अब जो हमारी जिंदगी है उस हमेशा की जिंदगी में मसीह में यानी कि जो है उसमें गुजर रही है। 요한일서 5장 13절에 보니까 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생 있음을 알게 하려 함이라. 또 이게 लिखा हुआ है 13वें बाब 13वीं आयत में मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। आमीन। योहन्नबुकम 5장 24절 말씀에도 확인될 수 있습니다। तो अगर हम 14वीं आयत भी पढ़े तो वहां से भी हम जो है वो तस्दीक कर लेते हैं कि जिनके पास जिंदगी है वो उनकी खुदा सुनता है। इनको बोलते हो हाँ जी पढ़े 14वीं आयत जरा योहन्नबुकम 5장 24절 और हमें उसके सामने योहन्नबुकम 5장 ओके 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 हाँ जी योहन्ना की झील पढ़े जरा योहन्ना की झील 5वां बाब उसकी 24वीं आयत जी
पांचवा बाब 24 पढ़ें जी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन आमीन आमीन।믿는 자는 영생을 얻었고 이렇게 돼 있잖아। तो लिखा हुआ है कि जो उस पर ईमान रखते हैं वो क्या है वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं।심판은 끝났다। तो सजा का हुक्म नहीं होता। 사망에서 생명으로 완전히 옮긴 바 되어 있다। तो वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। 그래서 정확히 내가 누군가를 정확히 하나님 말씀으로 내가 누군가를 정확히 알고 보아야 합니다. तो यहां से हमें जो है मैं कौन हूं हमें साफ नजर आ जाता है कि मैं कौन हूं मैं कहां से निकला हूं कहां जाना है मैं कौन हूं। अब जवाब आ गया ना कि मैं कौन हूं ये है जवाब। ये सेंग ये दुगा मुसन मार हदंदी गाने 하나님이 내게 말씀하신 내가 진짜야। ये कौन अभी बीच में से और यहां से हमें पता चलता है पता ये कहे जी बंद कर दे ये माइक को। जो दुनिया बातें करती है वो हमें नहीं जानना हमें वो बातें जानना है जो खुदा हमें कहता है। उनसे कहे जरा कि अपना माइक बंद कर दे रेवरेंट साहब ये माइक ऑफ कर दे अपना। ये रेवरेंट कुमार साहब ये अपना माइक बंद कर दे। मुझे तो पता नहीं है होस्ट कौन है। ये भाई 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 अपने जो इंडिया वाले अपने माइक बंद कर दो। आपने माइक खोले हुए फिर आवाज सुनाई नहीं देती वो आपकी बाहर गाड़ियां भी चलती नजर आती हैं। ज्वाइन प्रेयर हाउस वाले अपने माइक बंद कर दें जरा। ये ज्वाइन ज्वाइन प्रेयर वाले भी हाउस वाले भी ये भी अपनी माइक बंद करते हैं। ये पांडी कुमार वाले भी हाँ जी हाँ जी पांडी साहब अपना भी अपना माइक बंद करते हैं जरा वो सुनाई नहीं देता माइक 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 बंद करते। माइक माइक बंद करते ये कुमार कुमार साहब अपना माइक बंद कर दे जरा। हाँ वो आपने खोल दिया है अपना अपना बंद कर दे पास्टर साहब आपने भी खोला हुआ। नहीं नहीं एक ने दूसरे ने खोल दिया ये दूसरे ने ये हाँ जी ये पास्टर साहब हाँ जी उनको कहे हाँ जी ठीक है ओके 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 ये मुक्ता नहीं बंद हो गए ओके ये सारी माइक तो मुने सॉरी का अंतर ले ये। 자 다시 한번 말하는데 나는 누구인가 이렇게 질문을 하면 답을 어떻게 해야 하느냐? 예, 예, 그 जब आपसे कोई सवाल पूछे कि तुम कौन हो या मैं अपने आपसे सवाल करूं मैं कौन हूं तो ये जवाब हमारे पास मौजूद है। 하나님이 내가 생각하는 내가 진짜가 아니다. 그 जो मेरी सोच है मैं वो नहीं हूं। 세상 사람이 말하는 내가 진짜가 아니다. जो लोग कहते हैं जो दुनिया कहती है मैं वो भी नहीं हूं। 하나님이 말씀하신 내가 진짜 나다. कि जो खुदा मुझे कहता है दरअसल मैं वो हूं। 그래서 아까 얘긴 대로 나는 하나님이 나를 하나님 자녀로 만들었기 때문에 나는 하나님의 자녀라고 말씀을 드린 거예요. तो हम क्या सुनते हैं या हमें क्या कहना चाहिए कि जिस खुदा ने मुझे बनाया है मैं उस खुदा का बेटा बेटी या फरजंद हूं। येशु를 그리스도로 믿으면 하나님의 자녀로 태어난다고 말했으니까 예수를 그리스도 믿으니 하나님의 자녀다. तो मेरा ईमान मसीह यीशु पर है और जब मसीह यीशु पर ईमान रखता है कि यीशु को अपना मसीहा मानता है वो खुदा से पैदा वो दुनिया से नहीं खुदा से पैदा हुआ। 그러면 하나님의 자녀는 하나님의 성령이 함께 하시는 거란 말이에요. और जब खुदा से पैदा होते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा का पाकरू खुदा के बच्चों के साथ है। योहन्नबुकम 14장 16절에 말씀하셨어요. कि अगर 14वां बाब उसकी छठी आयत में देखें तो यहां भी ये बात योहन्ना की झील में इसी तरह लिखी हुई है।
너희와 영원히 보혜사 성령님으로 너희와 영원히 함께 하겠다. 한 지 14번 밥 16번 아야에 क्या लिखा हुआ है? 요한 계시록 14번 밥 16번 के वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा. 그리고 성령께서 너희들의 마음과 생각을 알게 깨닫게 해서 너희들을 인도하겠다. 26절 27절 요한복음 14장 26절 27절에 그렇게 말합니다. तो अगर 14वां बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत में लिखे तो मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर होगा. आमीन. यीशु ख्रिस्त 이름으로 기도하고 하나님 앞에 온전히 인도받고자 성령님을 의지하면 우리가 하나님의 놀라운 능력과 비밀을 알게 되는 그런 사람입니다. 또 हम कौन है जो हम मसीह यीशु में है? हम खुद पाक रूह के जरिए उनकी तमाम बातों को जान सकते हैं क्योंकि वो क्या है? वो हमारे साथ रहता है, हमारी दुआएं वो हमारे अंदर होगा और हमारे साथ अब तक रहेगा. जो हम दुआएं मांगते हैं उन दुआओं का जवाब भी उसी पाक रूह के जरिए हमें मिलता है. योहन्नुकम 16장 13절에 말씀 있어요. 예수님이 말씀하신 거예요. कि अगर 16वां बाब उसकी 13वीं आयत देखे योहन्ना की झील में वहां भी ये बात लिखी हुई है. योहन्नुकम 16장 13절 ये लिख आज पढ़े जरा 16वां बाब 13वीं आयत पढ़े योहन्ना की झील की. जी लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा. आमीन आमीन आमीन. 분명히 성령이 우리 안에 오셨기 때문에 우리를 진리 가운데 인도하십니다. तो इसका मतलब है कि हम जो है वो पाक रूह के अंदर हैं तो हम सच्चाई पर हैं और जब सच्चाई पर हैं तो फिर पाक रूह सच्चाई वाले लोगों की खुद रहनुमाई करता है, खुद उन्हें खबरें बातें बताता है. जानने इल्दो मार्समे जिसमिदा के जो होने वाला है एक मिनट के बाद एक सेकंड के बाद वो भी हमें खबर देता है. कृष्ण उरीगा हनानिमे संयोगी इंदुबान्नन कुरन सारामिरा उरीगा. तो हम कौन है? हम पाक रूह से मदद हासिल करने वाले खुदा के लोग हैं. पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, दूसरे लोगों की नहीं, सिर्फ जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनकी रहनुमाई करता है. कृगो उरीगा चारानन देरो येशु ख्रिस्त 이름으로 우리가 기도하면 반드시 응답을 하나님이 주십니다. और जब हम मसीह यीशु के नाम में दुआ करते हैं तो खुदा हमें उसका जवाब भी देता है. आमीन आमीन. योहान복음 15장 16 24 아닙니까? 아, 요한복음 15장 예. 15장 7절 그 다음에 16절 두 절 읽어봐요. 7절하고 16절 예. 한지 15번 밥 요한아 그 질 15번 밥은 가래 빨리 우스키 7위 아트 빠리 और उसके बाद 16위 7위 아트. हाँ जी, पहले 15वें बाब की 7वीं फिर उसके बाद 16वीं है. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. 16वीं आयत. हाँ जी, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे. आमीन आमीन. कृपया जिगुम부터요 무슨 일이든지 예수 그리스도 이름으로 기도하는 응답이 약속되어 있습니다. 이게 है कि जो कुछ हम करें, जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, वो पाक रूह के जरिए जो वो उसने वादा किया है खुदा ने वो हमें अता करेगा. 특별히 하나님의 뜻대로 구하면 반드시 응답받게 돼 있다. कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक तलाश करें तो वो हमें मिल जाएगा. 요한일서 아까 읽었던 요한일서 5장 14절 5절. 아니, 빨라 요한나가 갔던 가래 또 봐라.
वहां जाएं तो वहां पर वो जो लिखा हुआ है ना उसकी चौदहवीं और पंद्रहवीं आयत पढ़ेंगे। ये चैप्टर कौन सा है? पहला यूहन्ना पांचवा बाब चौदहवीं और पंद्रहवीं आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबाब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन आमीन। चौदहवीं बाब अगर चौदहवीं आयत हम देखें, उ리가 하나님 예수 그리스도 이름으로 담대하게 분명하게 주장할 수 있고 기도할 수 있는 것이냐면 하나님 뜻이 맞다면 분명히 당당하고 분명하게 기도할 수 있다. 또 이게 लिखा हुआ है 14वीं आयत में बड़े वासे तरीके के साथ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। 그러면 들으셔요. 하나님이 우리의 기도를 분명히 우리 귀를 만드신 하나님은 우리의 말을 만드신 입술을 만드신 하나님은 분명히 우리가 말한 걸 들으시고 응답하신다. 그러니까 हमें ये वादे तौर पर पता चलता है कि जो हम दुआएं करते हैं ये हमें यकीन दिलाया जाता है कि वो खुदा हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब भी देता है। 그리고는 기도한 다음에 분명히 하나님이 들었다는 것을 나에게 깨닫게 해달라고 기도하면 돼. तो हमें दुआ क्या करनी चाहिए कि खुदा अब हमें बेदारी बख्शे ताकि हम वो फजूल नहीं चीजें मांगे बल्कि खुदा में बेदारी बख्शे रूह के जरिए कि जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए आने वाली जिंदगी के लिए जरूरी है वो हम खुदा से मांगे।여러분 중요한 사실은 우리가 누구인가 내가 누구인가를 정확히 알고 하나님이 이 시대 남은 자로 이 복음을 오직으로 알게 되는 남은 자로 불렀다는 걸 정확히 알기를 원합니다. 또 이게 그 मैं कौन हूं तो हमें पता चलना चाहिए कलाम के जरिए कि मैं कौन हूं। मैं रेमनेंट हूं और इस रेमनेंट को खुदा ने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए बुलाया है। 그 증거를 우리는 반드시 체험을 해야겠어요. तो इसकी गवाही के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबूत के लिए हमें मसीह में एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, हमें तजर्बा हासिल करना चाहिए। कदम है दूसरी बात दूसरी बात छपंचे नानन दुगुइंगा को दूसरे नानन ओदी इन्नंगा। तो पहला था क्या कि मैं कौन हूं और दूसरी बात यह है कि मैं कहां हूं। अब दूसरा सवाल यह है मैं कहां हूं। नेगा ओदी इन्नंगारल जमाखी नाए जाप्यो नेगा इन्नन जारीरल जमाखी हकीनाल फिरोगा इसमिदा। तो हमें इन चीजों का तस्दीक करनी है कि मैं किन चीजों में फंसा हुआ हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये जरूरी है कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं। नानन ओंजना ओदिसना क्रिस्तु येशु अने इत्ता कि मैं जहां मर्जी हूं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो क्या कहते हैं? मैं जहां मर्जी हूं मैं मसीह में रहता हूं। हमें खामुगे इसंगा इन्नंगा खामुगे इन्नं को कच्ची भोईजमान क्रिस्तो आने इत्ता। मसाल के तौर पर पौलुस रसूल है वो जोसेफ है वो यूसुफ है वो कहाँ गए थे? जेल में वो थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जेल में होते हुए भी हम किस में हैं? हम खुदा में हैं। फिलिप्पोसो 1장 12절 13절 보니까 감옥 안에서 바울이 모든 걸 할 수 있다고 말합니다. 필리피오 पहला बाप उसकी 12वीं 13वीं आयत में कहता है कि मैं जो मसीह में हूं वो मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पोसो 4장 13절 알죠? हां जी फिलिप्पियो 4 बाप उसकी 13वीं आयत आपको पता है ना? क्या है वो 4 14वीं आयत कि जो मुझे कुवत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन आमीन। 여러분 빌립보 감옥에 있는데도 불구하고 그 바울이 감옥에 있는 것 같지만 눈에 보일 때는 감옥에 있는 거 보이지만 사실은 그리스도 안에 있기 때문에 모든 걸 할 수 있다고 안 것입니다. 알고 있어요. 이게 क्यों है कि उस वक्त जब ये खत लिखा गया आपको पता है पौलुस उस वक्त जेल में था तो जेल के अंदर रहते हुए भी वो क्या कहता है
कि मैं सब कुछ कर सकता जो मुझे कुव्वत है, यानी कि मैं किसके अंदर हूँ, जेल में नहीं हूँ, मैं अब भी खुदा के अंदर हूँ, मैं यहाँ से भी सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। यरुबुन, दाशी हम बुरो बुकायो, नानों नोदी आने ओदी इन्नगा। हाँ जी, तो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं? Where are you now? हाँ, कहाँ हैं? आप जहाँ भी हैं मसीह में हैं। ओके, उरीनन ओदी नंजी, उरीनन हम हंग संग, क्रिस्तो आने इस्मिदा। आमीन। क्रिस्तो आने। हम कहाँ रहते हैं? जहाँ कहीं भी ये ना कहें कि क्या हम मसीह में हैं। आमीन। मसीह में हैं जहाँ कहें। मैं जहां मर्जी हूं मैं मसीह में बढ़ सकता हूं, परवरिश पा सकता हूं, ऊपर जा सकता हूं। ये नहीं है कि मैं कहीं तो यहां मेरी कोई पंजाबी के दाल नहीं गली, दाल गलेगी मसीह दे। आपको यूसुफ के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर उसका 39वां बाब देखें पदायश का, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो जे कैदी था, नौकर था, लेकिन क्या ले, खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसे इकबाल मंद किया। युवक के सो यूसुफ का हम क्या इशमुरो छुंगथुंगन जगह थे। तो अगर खुदा हमारे साथ है तो हम भी इकबाल मंद हो सकते हैं। खामोगे गंदन दे दो क्योंकि क्रिस्तो आने इन्न जारी इत्ता। तो अगर जेल में भी है, गलत जगह में भी है, तो क्या है कि हम मसीह के अंदर मौजूद है। यरुबुन, कु आने से बो हानेन्या, हानानिम में मालसुमल इरुनन जारीदा। ये मैंने वहां क्या करना है? खुदा के कलाम को पूरा करना है। वो जगह है जहां खुदा ने मेरी वजह से अपने कलाम को पूरा करना। क्रिस्तो ए फुगुमल छनानन जारीदा। और वो मसीह के कलाम की मुनादी करने की जगह है। 그래서 눈에 보이는 현실에 속지 말자. 게 जो भक्ति तौर पर हालात हैं उनमें हमने अपने आप को पवित्र नहीं करना, उनके धोखे में। 영적 사실을 보자. तो हमने देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं, किस जगह पर हैं। 하나님의 계획을 발견하자. तो हमने खुदा के मंसूबे को देखना है। 그리고 항상 위기가 오면 그것은 하나님은 기회로 바꿀 수 있다. 예, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो खुदा के उस ऐत को जानना के खुदा ने हमें क्यों दिया है। 그리고 또 한 가지는 싸우지 않고 육신적인 싸움 하지 않고도 이길 수 있도록 하나님이 능력으로 역사하신다. 아니, कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हमने लड़कर किसी पर गालिब नहीं आना, बल्कि मसीह में रहते हुए रूहानी तौर पर उन मसाइल पर काबू पाना है, गालब आना है। कृसो उरीगा क्रिस्तो आने इक्की तेमने है, नेगा ओत्तन शिकाने ओत्तन नुगुरल ओत्तन जारियासा मन्नादरादो, हनानिमी योगीसो मुल ओनाशिनंगारल चाजानेनन गत। कि मैं जिस जगह पे हूँ, उस जगह पर खुदा ने मुझे क्यों भेजा है, उस मकसद को, उस बात का ये पता चलाना, जानना कि खुदा ने मुझे उस जगह पर क्यों भेजा है। 그래서 거기서 하나님이 원하시는 오직을 찾아내는 이런 인도가 필요합니다. तो हमें खुदा को यानी कि ओनली की तलाश करना, सिर्फ की जहां कहीं भी हो खुदा ये हमारी रहनुमाई करता है कि हमने किसी दूसरी चीज की नहीं, सिर्फ ओनली यानी कि मसीह की तलाश को जारी रखना है। क्या 그래서 나는 누구인가? 나는 어디에 있는가? 그 다음에 우리는 어떤 것을 붙잡아야 하는가? 세 번째. 아니, 또 넘버 3은 है कि हमने किन चीजों को अपने दिलों में बिठाया हुआ है? 그게 바로 바통? 그렇게 열 가지 신앙 발판을 붙잡아라. 아니, 또 हमने 10 जो प्लेटफॉर्म है हमारी जिंदगी के, उनको हमने दिल में रखना है। 열 가지 신앙 발판 아시죠? तो आपको पढ़ा हुआ है ना 10, अब तो नहीं होंगे लेकिन आपको पता कि 10 प्लेटफॉर्म जो थे वो हमने दो दफा तकरीबन पढ़ चुके हैं। खानदान के मारा मियन
하나님의 절대 주권을 믿는 거예요. 예, सबसे पहले बात यह है कि खुदा की मुकम्मल हाकमियत यानी कि उसकी पूरी कुदरत पर ईमान रखना. 그다음에 하나님의 방법은 오직 예수 그리스도다. तो दूसरा है कि उसका तरीका कार जो है वो है मसीह यीशु. 하나님의 역사 세 번째 하나님의 역사는 성령이다. 성령. और खुदा के किसके जरिए काम करता है? रूह कुदूस के जरिए. 그리고 하나님의 말씀을 주시는데 성경으로 말씀을 주신다. तो उसके बाद है खुदा का कलाम. वो किसके जरिए? बाइबल के जरिए खुदा कलाम देता है. 그리고 내 몸을 성전 삼으시고 성령 하나님이 늘 들어와 함께 하신다. 예, 메라 बदन जो है वो खुदा की जो क्या है वो हैकल है और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है. 그리고 내가 어디 있든지 간에 그곳이 하나님의 계획이 있는 현장이다, 선교지다. 아니, 또 खुदा का मंसूबा ये है कि जिस जगह पे हूं वो जो फील्ड है वो क्या है? वो मिशन की और एवेंजेलिज्म की फील्ड है. 그리고 하나님이 그곳을 주관하시고 다스리신다. और खुदा ही उसको मामूरो महकूम करेगा. 그리고 나는 하나님의 경륜, 섭리, 하나님의 모든 작정이 이루어지는 계획 속에 이루어져 계획 속에 들어와 있다. और मैं खुदा के मकसद और खुदा के मंसूबों के अंदर मौजूद रहता हूं. 그리고 끝나고 나면 심판이 반드시 있다. और उसके बाद जो है वो सजा भी होगी. 내세죠, 내세. 예, 예, 네. आने वाली जिंदगी यानी के अदालत. 우리가 잘 아는 히브리서 9장 27절. और वो है अब्रानियों नामा बाब उसकी 27वीं है. 한번 죽는 것은 정해진 것이요 그 위에는 심판이 있다. 예, मरने के बाद قیامت यानी कि अदालत का होना भी जरूर है. 그리고 마지막으로 하나님께서는 상급을 준비하고 계신다. और 10वां है अजर. अजर या अनाम खुदा की तरफ से मिलना. 우리가 이 열 가지 흐름을 붙잡고 있는 것입니다. तो हम इन 10 जो लहरें हैं, ये 10 प्लेटफॉर्म है हमारी जिंदगी के, इन लहरों के मुताबिक हमने जिंदगी मसीह में बसर कर ली है. 그러면 어떻게 흐름을 따라 우리가 살펴보고 인도받는가 하는 것이 있어요? तो हम किस तरह हमने खुदा से रहनुमाई हासिल करके इन प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ना है? 그게 뭐냐면 여러분 위 보세요. 아니 넓이, 높이, 깊이. 또 हमने क्या देखना है जी? उसकी वसत को देखना है. वसत क्या है? पहले हमने उसकी ऊंचाई को देखना, ऊंचाई को, फिर उसकी गहराई को, फिर उसकी वसत को के फैली कितनी हुई है. 여러분 가지고 있는 전문성 있어요? 하시는 거, 하시는 일. तो आपका ये है जो आप काम करते हैं उस हर काम में आपने उसकी वसत को देखना है कि ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ये सब कुछ हमने देखना है. 하시는 일은 지금 말씀드린 이 세 가지로 하면 돼요. तो हमें इन तीन चीजों को जो है हमने देखना है. बड़ा दर्दी. हाँ जी, उसकी चौड़ाई और उसकी और ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई. देगा मान्या गे चिक्वा उसामियन अनि चकी मन्या देगा आम चिवानन जम्मुन विसरा मान्या गे कृतामियन. अगर मैं कैंसर के मर्ज को ठीक करने वाला डॉक्टर होता, आमे देसो मानन जम्बुरल अलगो इसेगेच्यो, तो फिर मुझे क्या था कि कैंसर के मतलब तहकीक बड़ी करनी थी, उसके मुझे जानने की बड़ी जरूरत, तब भी मैं उसका डॉक्टर हो सकता था. क्योंकि नल्बिया. और ये है उसकी चौड़ाई. कदमे तुबन चेर दोपहिन मन्या. तो उसकी ऊंचाई क्या है? छेगन आमे आम सुसुरल छेगोरो चारानन छेगन नोमुंकाजी था आनुंगो. तो वो है कि मैं ऊंचाई उसकी क्या है,
कि मैं उस हद तक पहुंचूं कि कैंसर का मैं अच्छे तरीके से ऑपरेशन करके उसके जो जरात है उनके जो जर्रे हैं उनको खत्म कर सकूं, क्योंकि है दुफी रहा दुफी और ये है उसकी ऊंचाई खिफी, तो उसकी गहराई क्या है। देगा आम देगा खाजू को जम्मुन जो आम सुसरा देगा माने के आम जम्मुन का जम्मुन विसारा में आम एडे आज खिफी थो यंगुर हन गो। तो अगर मैं कैंसर का डॉक्टर हूं तो मुझे उसकी गहराइयों की उनके पूरी चीजों का इल्म होना चाहिए कि ये कैंसर कहां से आता है कैसे है उसकी गहराई में जाकर उसकी तहकीक को जानना। ये बारो दल्बी दोफी खिफी और इसको हम कहते हैं कलाम की यानी के चौड़ाई को जानना उसकी ऊंचाई को जानना और उसकी गहराई में गहरे वेदों को जानना। हनानी में देगे जुशिन चम्मनसंगल इरुखे किदुआमेंसो इंदुर भादारा। और ये है कि खुदा हमें कहता है कि जब मैं आपको स्पेशलिटी देता हूं तो आप दवा के जरिए इस खासियत को इस टैलेंट को भी हासिल करें। तो मैं सारा में दे सो तो फिर है वो आदमियों के बारे में जानना वी तो ऊपर अरे तो नीचे योपे तुम्योदिल और जो हमारे सामने हैं सारम दो वी व इस रंग का खंगे और आदमियों का आपस में तल्लक अरा से रंग वाई खंगे और जो हमारे सामने हैं उनके साथ तल्लक योपे चिंगुदिल तुम्योदिल वाई खंगे और जो हमारे सामने दोस्त हैं और जो हमारे लिए काम करते हैं उनके तलोकात हनानी माफ़े सो इरोन भुवंदरल चाल जंगल फिरूगा इतना नंगे कि उन लोगों को जो खुदा के सामने रहते हैं उनके मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करना है उनके बारे में जानना है। क्रिको तो हम गाजिने शिकाम प्यो इसे शिकाम प्यो तो एक है वो है वक्ते मुकर्रा शिकाम प्यो मने में भागो हंजे मीरेरल हम के बोलूं गए कि हमने माजी हाल और मुस्तकबिल को इकट्ठे देखना है। देखा गोवा कि मेरा माजी जो था और हमारा माजी जो था तुम नए हंजे हुआ और अब जो मेरा हाल है जो इस वक्त मौजूदा वक्त है और मेरा आने वाला वक्त यानी कि मुस्तकबिल हनानी मालसुमल थुंगे सो खुदा के कलाम के जरिए चुमाखी चुम्याल फिरूगा इतना रंगो तो खुदा के कलाम के जरिए मैंने सही तौर पर इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। संगियोंगल चंका मुक्कायो हाँ जी कलाम को अगर देखें चाहिए ओदिये सो रोमा सो 16장 25절 27절이죠 20 16절 로마서 16장 16장 예예 25절에서 27절 아, 예 알겠습니다 हाँ जी निकाले जरा रोमियो निकाले 16वां बाब उसकी 25 से 26 तक पढ़े 26 से 27 तक आयत पढ़े 25 26 27 16वां बाब आखिरी आते हैं 25 से 26 27 तक आखिरी जी 25 से 27 तक आखिरी खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदा अजली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिए से सब कामों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएं उसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे आमीन। खोगे बोनिका देगा फादन भोगुम यीशु क्रिस्तो इ भुवनुन इमी यंगसे जंबुत्तो हनानिम आने कामचेजोत्तों गोसिदा। तो वो कहते हैं कि आज जो आप जो हम आज खुशखबरी सुन रहे हैं आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं दरअसल वो पहले ही अजल से पोशीदा था अब नहीं अब जाहिर तो अब हुआ लेकिन पहले था। देगा ख्वागोए हनानिम मन्नाजी मोथागो भोगुमल मोल्लासिल तेदो हनानिमन इ भोगुमल कामचो दोत्तानुं गयो जब मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता था मेरे मानने से मेरे ईमान रखने से पहले भी ये सब कुछ मौजूद था। 그러고 보니까 제가 옛날에 내가
예수 그리스도를 통해서 하나님 만나지 못했을 때라도 하나님은 그때 내게 함께 있었던 걸 내가 알게 되겠어. 나중에 알았어. 야세 매 मुझे पता चलता है कि जब हम ये नहीं जानते थे हम मसीह पर ही मान रखते थे तो हमें क्या पता था कि खुदा हमारे साथ है. ये पता नहीं था लेकिन था. 나는 그 당시에 전혀 하나님 몰랐는데도 하나님은 나를 이미 알고 내 과거를 하나님 인내 오셨던 것을 알게 된 거야. तो यहां से मुझे पता चलता है कि मैं तो खुदा को नहीं जानता था लेकिन उसने वो मुझे जानता था और उसने मुझे चुना हुआ था. 그리고 지금 내가 나의 지금을 하나님의 복음의 말씀으로 나를 진단할 수 있지요. 내가 어떻게 있는가를. तो अब जो है वो अब जो हम पर जो बात जाहिर हुई है वो ये है कि अब हम इस टेस्ट के जरिए खुदा की बातों को जान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि खुदा हम कौन है और खुदावंद हमारे साथ कैसे रहता है. 나는 지금 하나님 나라 이루어가는 언약 속에 있어요. तो मैं खुदा की बादशाही और उसके ऐद के अंदर रहता हूं. 나는 그리스도 예수 안에 하나님의 자녀의 축복을 누리며 있어요. और अब मैं मसीह यीशु में खुदा की बादशाही में मसरूर रह रहा हूं. 나는 하나님 말씀을 이루어가는 성취 속에 있어요. 전도자. और मैं खुदा के कलाम को पूरा करने वाला उसका एवेंजेलिस्ट हूं. 그다음에 미래는 뭐냐? 미래. और मुस्तकबिल क्या है? 이 미래 세계 복음의 완성을 미리 보고 있는 거예요. और मैं जो है वो पहले ही उन चीजों को जो खुदा ने करनी है कलाम के जरिए मुझे बताई जा रही है. मैं देख रहा हूं कलाम के जरिए. इ मीरे भोगुमी वंजनी जंगा दिल तकजी हनानिमी नारल इंदे जुस कशकुना के खुदा जो है वो मुस्तकबिल में भी किस तरह मेरी मदद करेगा उन मसाइल मुश्किलों से मुझे निकाल कर कहां ले जाएगा ये भी मुझे पता है. इरके क्वागो हंजे मीरेरल 정확히 정리하고 아, 내가 어떻게 흐름의 인도를 받아야 하는가를 보는 것입니다. तो हमें ये पूरा जो है नजर आता है कि खुदा ने पहले क्या था, अब क्या है और आइंदा क्या होगा. ये कहां से खुदा हमारी रूहानी आंखें खोलता है ताकि कलाम के जरिए हम अन तमाम चीजों को जान सके. 그리고는 이제 어떻게 해야 하는가 다섯 번째 어떻게 해야 하는가. तो आगे नंबर चार है कि हम हमें अब क्या करना है. क्योंकि मोनेमियन दसों का जी हक्षिन का जी को छोंटे खामियो इंदु बनन्दा. तो वो है कि हमें पांच किस्म की जो पांच यकीनियां दगलाई गई हैं उनके मुताबिक वो का हक्षिन आज ही जो दसों का जो हक्षिन जिंदगी गुजारना पांच यकीनियां का पता है कि नहीं पता. कुवनी वक्षिन. हाँ जी वो है वो पांच यकीनियां ये है कि सबसे पहले है कि निजात की यकीनी किदोंगदा बेक्षिन. तो फिर है दवाओं के दवा का जवाब मिलना ये हमें यकीन दिलाया गया है. इंदो यक्षिन. और ये भी यकीन दिलाया कि पाक खुदा जो है ये पाक रूह हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है. हजे यक्षिन. और एक ये भी है चौथी रहनुमाई कि वो हमारे गुनाह को मुकम्मल तौर पर माफ करता है जो मसीह यीशु में उनके गुनाह माफ हो जाते हैं. सुन्नी वक्षिन. और आखिरी जो पांचवी हमारी यकीनी है वो ये है कि जहां कहीं भी हम जाते हैं हम खुदा में फतह हासिल करते हैं, हम दुनिया पर गालिब आते हैं. नहीं सुन्नी वक्षिनी बंदशी हनानिमी नारल कक्काजी इंदुए जुशोसो सुन्नियागे हाशिंदा कुरम मारीजो. तो ये है कि खुदा आखिर तक मेरी रहनुमाई करता है. कहां तक? जब तक मुझे कामयाबी मिल नहीं जाती. फिलिप्पियों मालूम है जो तो फिलिप्पियों में अगर देखें फिलिप्पियों फिलिप्पियों ओदी ओदी फिलिप्पियों से इल्चांग ये इल्चांग युक्चर. हाँ जी फिलिप्पियों पहला बाब है और उसकी छठी है. हाँ जी ये लिखा है और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा. आमीन. कृतियों कृतियों से नरकारी इरुचिरु हक्षिन हंदा
कि ये है कि हमें ये यकीन दिलाया गया है कि मसीह यसू के अंदर, मसीह यसू के दिन तक, जब तक वो पूरा नहीं यहां इस दुनिया में आ जाता, खुदा पूरा कर देगा। योहन्नुकुम 16:33 हाँ जी, 16वां बाप उसकी 33वीं आयत योहन्ना की जी, कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हाँ जी, 16वां बाप उसकी 33वीं आयत ये लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ पर, मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आमीन आमीन। चा ये दस गाजी हक्षिन गाउंडे उरीगा उरीए सल्ममुल सरागंदानन गोसिब्दा सोंतकामेंसो। ये है कि हमारी, हम जब इन पांच यकीनियां हमारे पास होती हैं, तो हम इनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, या इनके ये चीजें हमारी जिंदगी में मौजूद होती हैं। कृगुनुन यसो पंचरो मालसम किदो चंदो ने हनन इल इगल तुंगेसो इंदु बाकुंग दा पन्नंदा ये मारिया यो। तो छठी है थ्री टुडे, कलाम, दुआ, मुनादी, और मेरा काम, इसके जरिए मैं जवाब हासिल करता हूँ। कृगो माजिमा कृगो पंचेरो जोयेरल तुंगेसो, ए जोयेरल तुंगेसो हनानिमे उंदाबुल बाको सारागंदानुं। और सातवीं है कि चर्च के जरिए खुदा से जवाब हासिल करके जिंदगी बसर करना। और चर्च, आपको पता है कि वो पुरपट का मैसेज हम चर्च में जाकर सुनते हैं संडे को। ये बे जो ये बे, और वो है हमारी चर्च की बात, समझते हैं ना, आपकी इबादत की बात हो रही है यहाँ। क्वेरल तो हनाई में चुनियान क्वेगल हमके 237 나라 5000 종족 사이에는 응답으로 들어가는 것입니다. और ये है कि 237 मालिक और 5000 ग्रुप में हमने दाखिल होना है। जा여기까지 하고 한 10분 쉬었다가 이제 마지막 강의 하고 그다음에 포럼하고 끝나겠습니다. तो ये इसके बाद हमारा आखिरी वो जाए, इसके बाद होगा आधा घंटा, फिर उसके बाद फोरम करके हम आज का कलाम जो है यहाँ पर बंद करेंगे। आमीन आमीन।자 마지막 인도 받읍시다. 한지 사례 아가리지. 아 파스터 유브 테라 마이크 쿨라 마이크 반드 카르디 더라. 자 이제 결론을 마무리합니다. 오 아브 함 조야 나 아카르 메 조야 보 나티자 데켄게 케 나티자 캬. 오늘날 우리가 당하고 있는 이런 여러 가지 위기와 환난, 어려움은 왜 생겼는가? 그 एक दिन हमारी जिंदगी में ये मुश्किल, ये मसائل क्यों आते हैं? ये हमें देखना चाहिए। 정확하게 우리가 알고 볼 수 있는 눈이 있어야겠죠? तो हमें इन चीजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें होनी चाहिए। 예, 하나님 말씀에 이미 우리에게 이러한 말세, 이러한 어려움이 생길 것을 얘기하고 있습니다. 이슬리에 के हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें जो आखिरी जमाने में होंगी वो खुदा ने हमें पहले बताया हुआ। 디모데후서 4장 예, हां जी, दूसरा तिमोथियुस का चौथा, उसका चौथा बाप निकाल लें जरा। 디모데후서
3장입니다. 3장. 아니, 3 바베. 디모데후서 3장 1절에서 5절. 아니, 1절 에게 5 तक पढ़े जरा कुछ. 아비 유 파다 जरा. 페 두스라 티모데후스 है. और उसकी 3 बाब 1 से 5 तक पढ़े जरा. 오케이 오케이. 아니, 유 파다 जरा. यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे बाब एक पांच, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज सर दोस्त शहीबाद मकरूह बदगो माँ बाप के नाफरमान ना शुक्र ना पाक तभी मोहब्बत से खाली संगिल तोहमत लगाने वाले बेसबत तुम मुजाज नेकी के दुश्मन दगाबाज ईट कमांड करने वाले खुदा की निस्बत ऐश्वर्य इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे. वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे. ऐसों से भी नारा करना. आमीन. 말세가 이런 말세가 되면 점점 이렇게 된다는 것입니다. और ये है कि जब आखिरी जमाना आएगा तो इस तरह के लोग जो है वो जाहिर होते रहेंगे, ये काम होते रहेंगे, नजर आएंगे हमें. वे लिखे देनगा और ये क्यों ऐसा होगा? हनानिमुंगा संगियोंगल खोबुहन खोलगामिदा. और ये है खुदा ने हमें पहले ही तंबीह कर दी है कि अगर हमारी रूहानी आंखें खुली हैं तो हमें इन चीजों का पहले से पता होना चाहिए. इंगानी हनानिमुल देशिनेसो चागिदरी हनानिम दियोसो सेसंगल मंदरो बुगेत्तागो हन खोलगामिदा. और ये है कि लोग जो है वो इस दुनिया में पस्ती में रहते हुए अपनी सोच के मुताबिक जो है वो दुनिया बनाना चाहते हैं. कैसे खक्चोंग चायन चेहेगा कैसे ओगो इच्छो. तो हम ये लोग जो कहते हैं जी मेरा मान मुझे मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा मन मेरी मर्जी, ये है कि हम अपनी मन मर्जी के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार के हमारी आजाद मर्जी है, हम जो मर्जी कर सकते हैं. तो अब देखें कि बीमारियों में ज़हनी पसमंदगी में लोग निकल नहीं रहे, ज़हनी परेशानियां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां भी जिनका हमें पता भी नहीं नाम सुना वो भी बढ़ती आ रही है, पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी बीमारी आ गई है. तो हम देखते हैं कि साइंस जो है वो पूरे अरूज पा रहा है, तरक्की पे तरक्की हो रही है. 그러면 행복도 인간의 행복도 많이 있어야 하는데 인간의 행복은 점점 없어지고 있어요. लेकिन हमारी जिंदगी में खुशी होनी चाहिए थी जो वो खुशी अब बाकी नहीं रही. 인간은 행복할 수 있다고 그렇게 열심히 연구하고 과학을 발전시켰지만 결과는 점점 더 재앙이 오고 문제가 옵니다. तो कई लोग समझते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है और ये जिंदगी के लिए बड़ी खुशी की खबर खुशखबरी है. मेरे तो ये बिल्कुल गलत है, तो उलट है. जितनी तरक्की हो रही है इंसान उतना ही अकेलापन उतना ही फुसुर्दा उतना ही ज्यादा पस्ती में जाता गिर रहा है और खुशी खत्म होती जा रही है. इरन हुल्लानवा ओरियोमन हनानिमे मालसुमुल तनान गिर्गामिदा. और ये सब दुखों का मुश्किलों का आना जो है ये खुदा की दूरी की वजह से. येसु ख्रिस्ते वंजरान पोगुम ओजिक पोगुमल नुचिम गिर्गाये. और ये नतीजा क्यों है? ये है कि मसीह यीशु के कलाम को नजरअंदाज करके पढ़ना ये उसका नतीजा है. 그래서 지금부터 우리는 중요한 하나님이 주시는 중요한 말씀을 회복해야겠습니다. तो आज से हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम की बेदारी हमें होनी चाहिए, खुदा के कलाम को देखना पढ़ना और सुनना चाहिए. 하나님을 바르게 아는 지식. कि हमें वो हमें हिकमत होनी चाहिए जो खुदा को जाने, हिकमत खुदा को जानने वाली हिकमत होनी चाहिए. 인간을 바르게 아는 지식. और इंसानों को जानने वाली दनाई हिकमत और दनाई होनी चाहिए. 그래서 이 두 가지가 가장 중요한 중심입니다. और ये दो चीज हमारी जिंदगी का महवर होनी चाहिए, मरकज होनी चाहिए.
인간들이 하나님 말씀을 거부하니까 인간이 점점 더 어둠 가운데 흑암 속에 들어가는 겁니다. और इन चीजों को ना जानते हुए इंसान जो है लगातार पस्ती में गुनाहों में और गंदगी में जा रहा है। 지금 인류와 내게 있는 문제가 무엇인가를 정확하게 알아야 합니다. तो हमें जो मुझे अब जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल को जानना जरूरी है कि क्यों ये मसाइल जो मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। 그 문제 원인의 제공자가 있죠. और हमारी मसाइल की बुनियादी वजह क्या है ये भी हमें पता है। 그 죄를 가져다 준 제공자. के जो गुनाह में रहता है वो गुनाहगार माघी입니다. 마귀. और वो है शैतान। 그 마귀의 실체를 정확히 알아야 합니다. तो हमें उस शैतान के बारे में भी जानना हमारे बड़ा जरूरी है। 마귀가 가져다준 죄가 나오는데 죄가 무엇이고 그 죄의 결과가 무엇인가를 정확히 알아야 합니다. 그 गुनाह क्या है और गुनाह के बारे में जानना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 이것은 인간의 지식으로 해결할 수 없습니다. और इसलिए कि ये हमारी दुनियावी जिस्मानी कुव्वत ताकत से ये काम नहीं हो सकता। ओजिक 하나님과 성경에서 답을 찾아야 합니다. तो हमें सिर्फ बाइबल में खुदा के कलाम में इसका जवाब जो है वो तलाश करनी चाहिए। वे 하나님이 우리에게 복음을 주셨습니까? तो खुदा ने हमें क्यों जो है वो कलाम दिया है? वे ओजिक 복음을 믿음으로 은혜로 구원받게 하셨습니까? तो फिर ये ईमान के जरिए हमने क्यों निजात हासिल करनी है? कुगसुन 인간의 어떤 노력으로도 하나님을 만날 수 없고 인간의 문제를 해결할 수 없기 때문입니다. तो इसलिए कि इंसानी कुव्वत ताकत के जरिए इंसानी तदबीरों के जरिए ये मसाइल हल नहीं हो सकते। 그래서 하나님이 여러 가지 길을 주지 아니하시고 오직 한 가지 길을 주셨습니다. और जो लोग कहते हैं कि बड़ी राहें जाती हैं खुदा की तरफ, मेरे चीजों कोई राह भी नहीं जाती सवा एक राह के, वो है मसीह यीशु की राह, दूसरी कोई राह वहां नहीं जाती। यीशु ख्रिस्तो को थुंगेसो 하나님의 구원의 길을 열어 주신 것입니다. और मसीह यीशु के जरिए ही खुदा ने हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है। इस 구원의 길 복음을 선포함으로 하나님 나라가 이루어진다는 것입니다. और इस कलाम के जरिए खुदा की बादशाही जो है वो कायम होती है। कितने फिरोसो ये नारावा जन सेगे का हनानिमे ईरो हनानिमे प्यंगारो हनानिमे प्यंगानोरो इरोजिम्दा। और ये खुदा की रास्तबाजी और खुदा की दी हुई अमन और सुकून जो इत्मनान है वो हमें उस बादशाही में नजर आता है। कृसो उरिनन 하나님 나라 이루어지는 삶을 잘 준비해서 배워야 합니다. 또 함에 خدا के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी को तैयार करके उसके मुताबिक जो है जिंदगी अपनी बसर करनी चाहिए। किस में? खुदा के कलाम में, खुदा के नाम में। 마태복음 16장 मत्ती की इंजील 16वां बाब 6절부터 19절까지입니다. 아니. 아니 16 बाब 16 से 19 तक पढ़े जरा। 시몬 पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमेरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वह क्या हो गया? बंद हो गया। आमीन आमीन आमीन। ये चला आनंद मार्सिमी जो ये आप सब इस कलाम को जानते हैं, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं ये वाला। जी 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 जी
여러분, 우리에게 가장 중요한 하나님이 우리에게 중요한 질문을 하시는 것입니다. 예, 그다 यहां पर हमें एक खास जो है वो सवाल जो वो कहता है. 예수 그분이 예수 그리스도가 누군가 어떤 분인가 이걸 정확히 우리에게 질문하는 겁니다. तो ये है कि पहला जो 15वीं आयत अगर देखा जाए तो मसीह यीशु अब हमें भी ये सवाल पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो. 예수 그리스도를 통해서 하나님은 모든 인류를 하나님 만나는 길을 열어 주신 것입니다. तो यहां से हमें पता चलता है कि तमाम किस्म की बातें, तमाम किस्म के राह, तमाम किस्म की बरकत हमें मसीह यीशु के जरिए ही मिलती. 그리고 하나님과 하나님의 자녀가 되는 길을 열어 주셨습니다. और इसी के मसीह के जरिए ही खुदा ने हमें फरजंद बनने की जो राह दिखाई है वो भी मसीह यीशु के जरिए ही. 그리고 하나님의 나라를 이루는 백성으로 살게 하셨습니다. और हम इसी मसीह में खुदा की कौम बनते हुए हम जो है वो उसके लोग बनते हुए रहते हुए जीते हैं. 그래서 우리 기독교 세계관은 예수 그리스도를 중심으로 하나님께서 오늘 또 성령으로 역사하셔서 하나님 나라를 이루어가는 일에 인도받는 것입니다. तो हमारी जो रूहानी मसीह के मतलब अंदर जिंदगी है जो हम आंखें देखते हैं वो है कि हम मसीह यीशु में पाक रूह की हदायत के मुताबिक जो जिंदगी बसर कर रहे हैं उसकी रहनुमाई में अब भी उसी में ही बसर कर रहे हैं. कृष्ण की उन्हें जीवन चोवा यरुबन बुतो मंजो उरी ये नुनल कृष्ण के भोगों में उन्हें नुन आने से नुनरो सेसंग उल पाया हमिदा. तो हमें जो ईमान बख्शा गया है मसीह में हमें उसी ईमान के तहत रूहानी आंखों के जरिए यानी कि इस रूहानियत के जरिए इस दुनिया को रूहानी आंखों के जरिए देखना है. इल्साम्पल और वो है 1:3:8. अब मैं आपको पूछूंगा ना 1:3:8 है तो आप सब उन्हें अभी देखना है मेरी तरफ 1:3:8 क्या होता है. ये कृष्टोक्यो उरीये कृष्टोइने चुम्यान ओन्याक्चोक गाचीगो मिरेमिदा. हाँ जी, ये ऐद में से बड़ा ऐद और हमारा मुस्तकबल है वो क्या है 1:3:8. इंसेंगे मुक्चोक योगी इसमिदा. और हमारी जिंदगी का मकसद इन तीन चीजों में शामिल है. कृष्टो हनानिम नारा संयोग चुम्मन इगे इसमिदा. यीशु ही मसीह है खुदा की बादशाही और पाक रूह की मामूरी. सादेंगे 1장 1절 3절 8절에 모든 미래가 열려 있습니다. और अगर देखें अमाल पहला बाब 1:3:8 पूरा मुस्तकबल जो है हमारी जिंदगी का इन तीन आयतों में लिखा हुआ है. उरीगा ये अन्याकुल बिचापको तुदियो हनल बोजावा जोतोंगानन गोसिमिदा. तो इस ऐद के मुताबिक हमने अपने दिल में रखकर हनल बोजावा जोतोंगाल ते ओत्तके हानेन्या लुकाबोगुम आनी माकाबोगुम 16장. और ये है मत्ती की इंजील अगर देखे 16वें बाब में यही है कि हमने किस तरह मसीह के साथ हमारा तल्लक होना है. मुख्तारिम ताशी अंबर माकाबोगुम 16장 19절 20절. हाँ जी, मरकज की इंजील निकाले 16वां बाब उसकी 19 और 20वीं है. बीमिरिमिदा जो चुनियन बीमिरिजो. हाँ जी, ये भी एक बड़ा भेद है. 19-20 लिखा है गरज खुदावंद यसून से कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया. यानी कि ये एक भेद है. क्रिस्तो उनेरल इप्को अन्याक आने इन्नन सरां क्रिस्तो आने इन्नन सरामन बंदिशे हनानिम नारा इरुनन इले छम्याहो इप्को. और जो लोग मसीह यसू में रहते हैं जो उस ऐद में रहते हैं 1:3:8 के ऐद में रहते हैं वो आसमानी मदद में मसरूर रहते हैं. उनको आसमानी मदद भी मिलती है. हनानिम नारा इरुजी के सुनन ओजिक संयोग चुम्मरं गन्नुमल भादे हन्नारं गशिम्दा. तो खुदा की बातचीत को कायम करने के लिए हमें पाक रूह की कुवत ममूरी भी हासिल होनी चाहिए. कुरेसो संयोग चुम्मरं अन्याकुल बुच्चाबन सरामन क्रिस्तो अन्याक हनानिम नारा अन्याक संयोग चुम्मरं अन्याक बुच्चाबन सरामन सेगे बोगुमाए अन्याकुरो इन्दुबाको इन्न अन्याके सरामिजो. और जो इस ऐद को यीशु मसीह है ऐद खुदा की बादशाही का ऐद पाक रूह की ममूरी का ऐद जो इस ऐद में चलते हैं
वो एवेंजेलिज्म के अहद में मजबूत होकर आगे बढ़ते रहते हैं। 그래서 마가복음 16장 19절 20절 말씀을 읽어 보시면 바로 이 언약 잡은 사람이 보좌에서 우리에게 역사하신다는 것입니다. और ये अगर मरकज की इंजील 16 बाब 19 से 20 देखें जो लोग ऐद के मुताबिक चलते हैं उन्हीं लोगों की ऐद के मुताबिक आसमान से मदद जारी रहती है। इसको बोलते हो? हाँ जी पढ़े जरा अयूब पढ़ भाई मरकज की इंजील 16 बाब 19 और 20 यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ज खुदाम यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा आमीन। जिगम इस समय दो संसामी हनानिमी भोजाएसो यक्षाशिमिदा तो अब भी इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हुए हैं खुदा जो आसमानों का मालिक है खुदा अब भी वहां से हमें क्या हमारी आसमानों आसमानी मदद हमारे लिए भेजता है हमें मिलती है और जहां पर ये कलाम दूसरों को फैलाया जाता है दूसरों को मनादीस की जाती है वहां पर आसमानी मदद ज्यादा जोर से काम करती है आज अड़ियों संगाएंगे तो खुदा आसमानी मदद के जरिए अपने मौजजात के जरिए अपनी कुवत के जरिए हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है कैसे 확실하게 우리를 통해서 하나님 나라 이루어지고 237 나라 5000 종족 살리는 응답이 문이 열리도록 역사하십니다. और खुदा जो है वो पाक आसमानी मदद हमारे लिए क्या आती है 237 ممالک और 5000 ग्रुप में खुदा की काम की गवाही के लिए जो काम रूनमा होता है खुदा वो हमारी रहनुमाई हमारी मदद करता है तो खुदा का जो कलाम है वो मेरी वजह से खुदा का कलाम मेरी खुशखबरी बनकर मुझ में मेरे सामने जाहिर होता है तो हमें ये रहनुमाई हासिल करनी है ये करनी है कि पाक रूह के जरिए किस तरह हमने कलाम को सीख कर अपने अंदर रख कर हमने ये दूसरों तक पहुंचाना है और खुदा जो है वो हमें इतवार को जब हम जाते हैं पास्टर साहब जो पुरपट पे कलाम सुनाते हैं उस कलाम के जरिए खुदा हमें आगाही देता है तो हम उस कलाम को आज का कलाम आज की दवा आज की मुनादी के जरिए फील्ड में जाकर पूरी तौर पर अपने आप को मुनज्जम करते हैं तो हमें इस मुश्किल दौर में इस शैतानी दौर में हमें हमारे खुदा से ये दुआ करनी चाहिए खुदा हमारी रूहानी आंखें खोले ताकि इस दुनिया को देखने वाली आंखें मिले ताकि इस दुनिया को हम हकीकी तौर पर सच्चे तौर पर देख कर जो है वो चल सके किताब निकाले जरा कजाब की किताब उसका 21वां बाब उसकी 5वीं है कजाब की तहत आएगी उसके बाद योशुआ के बाद आएगी किताब सामुएल से पहले और योशुआ से योशुआ के बाद आई कजात की किताब बराबर हाँ जी पढ़े पढ़े जरा चंका बने ईश हाँ जी उसका 21 बाब उसकी 25वीं आयत पढ़े जरा ससा की ईश बिरचंग ईश बोझर
हाँ जी लिखा हुआ है 25 आयत में। और उन उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। आमीन आमीन।여러분 이 시대는 예수 그리스도를 왕으로 인정하지 않고 있는 세상이에요. 대부분이. 예, 저 도르 해. 이 도르에도 लोग 마시고 अपना बादशाह تسلیم नहीं करते। 각기 자기들이 다 옳다는 거예요. और जो कुछ उनकी नजर में अच्छा होता है वो अपनी नजर के मुताबिक लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। 그래서 이 시대를 포스트 모더니즘이라 그래요. 또 इसीलिए ये जो दौर है ये खुदगर्जी का और हफरा तफरी का और अपनी मनमानी करने का दौर। 다시 말하면 다 자기들이 각자가 다 옳은 거라. कि जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है जो जिसको कुछ पसंद है हर लो इंसान अपनी आजाद मर्जी के साथ वो करता है। 그리고 정작 이렇게 팬데믹이 오고 이렇게 재앙이 전염병으로 오는데 사람들이 해결할 수 없어서 좌총 우돌하고 뭐가 옳은지를 지금 모르고 있단 말이에요. 이게 저 코로나 की वायरस फैला हुआ है। ये जो बीमारियां ये परेशानियां ये सब कुछ आता है लोग इन चीजों को अभी तक नहीं जान सके ये क्यों आती है। दरअसल इनके आने का मकसद ये है जो हम पढ़ रहे हैं कि रूहानी चीजों की बेदारी हासिल करना। लोग फिर भी उनको चीजों को देख नहीं रहे। कि ये अरियों शिदे चुआ यरुबनी आजु जिगम सरामदिरकिरी जिगम दुरियोसो जागिदिरी ओत्के नंजी अंजनान ओत्तन गोल चाको इत्तान मारियो जागिदिरी बोवाल मोंगाल चाको इसोयो। तो आप ये ना कहें कि लोग बड़े आराम से बैठे हैं। लोग अब भी अपने लिए महफूज रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब भी लोग अपनी जिंदगी को महफूज करने के लिए चीजें तलाश कर रहे हैं। 그래서 돈이나 명예나 권력을 붙잡아야 내가 안전할 거라 이렇게 생각합니다. तो वो समझते हैं कि पैसा होगा मेरा नाम होगा मेरी कोई कुव्वत ताकत होगी मेरा तो मेरी कामयाबी होगी तो लोग उनके जरिए वो अपनी हिफाजत को अपनी क्या उसे कहते हैं कि अपनी चीजों को ढूंढते हैं इस तरह हम महफूज रह सकते हैं। तो यंगचोगुरो 종교에 빠진 사람들은 영적으로 마귀에게 잡혀가지고 우상을 숭배하고 이상한 종교에 빠집니다. 또 इसके अलावा जो मज़हबी लोग हैं वो मज़हब अपनाए हुए हैं जिनको अकल भी तस्लीम नहीं करती और मुख्तलिफ हरबे तरीकों के साथ वो अपने आप को मज़हब में महफूज रखना चाहते हैं कि हम मज़हब के जरिए महफूज हैं। 이럴 때일수록 저와 여러분이 바른 기독교 세계관 하나님이 우리에게 보여주시는 세상에 대한 하나님 말씀을 잘 정리합시다. 또 हमें जो क्या है कि हमने अगर इस दुनिया को देखना है तो हमें यह तैयारी करनी है कि हमने खुदा की दी हुई अकल दनाई और ऐनक से और आंखों से इस दुनिया को देखना है तैयारी करनी है। 하나님은 어떤 분인가? कि खुदा कौन है? 나는 누구인가? कि मैं कौन हूं? 세상은 하나님 떠난 세상은 어떻게 되어 있는가? 그 जो दुनिया खुदा से दूर है वो कैसी दुनिया है? 구원받은 우리는 어떤 사람인가? 그 जो निजात हासिल करने वाले हम लोग हैं हम कौन हैं? 인류 역사는 어떻게 진행되는가? और ये दुनिया का जो सर्किट है वो किस तरह चल रहा है? 우리는 어떻게 하나님의 말씀을 받아서 어떻게 현장에서 가정에서 직장에서 인도를 받고 응답받아야 하는가? तो हम इस खुदा के कलाम को लेकर फील्ड में जाकर लोगों को ये कलाम सुना के हम किस तरह का जवाब हासिल कर सकते हैं वहां। तो सेसंग येरो गाजी मानन येरो गाजी येरी दरसो जोंची는 어떻게 복음으로 바라보야 하는지। तो हमने किस तरह इस फिलोसफी को हमने फिलोसफी को किस तरह हमने फलसफे को हमने कलाम की रूह से देखना। 경제는 어떻게 복음의 말씀으로 바라봐야 하는지. तो हमने इस मुल्क की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी को कलाम की रूह से देखना है किस तरह ये कलाम के जरिए इस इकोनॉमी को हम बेहतर कर सकते हैं। 뿐만 아니라 뭐 결혼 직장 우리의 모든 자녀 교육 이 모든 것들이 하나님의 말씀으로 눈이 열려야 합니다. तो हमें आगे क्या बोलनी है कि इसकी इकोनॉमी यहाँ पर शादी ब्याह जो करते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटी के मुआशरे की जो बातें हैं काम है कलाम के जरिए हमने उनको
रस्म को रस्म रिवाज को कैसे लेकर कलाम के जरिए चलना है। समखन हाना जी मालसमरो चंगनीसो थाबुल ने जासिनदो थाबुल गाजिगो उंदा पाको सारेया देगो दारन सारामदो ई थाबुल जोंदारी हामिदा। तो हमें अपनी औलाद को भी यहां से जवाब हासिल करके उनको जिंदगी बसर करने का तरीका कार बताना है, और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी इस कलाम के मुताबिक हमें लोगों को जिंदगी बसर करने की तलकीन करनी है। ओनल इबन ई कुमथो मोकुमथो ई 3일간 기독교 세계관에 대해서 한치 말씀을 나누었습니다. तो अब मैंने आपको तीन दिन दुनिया में जो लोग इस दुनिया को देख रहे हैं अपनी नजरों के उनके बारे में हमने पढ़ा है। दुनिया को दुनिया से यानी कि दुनियावी आंखों से देखने वाली ये दुनिया और रूहानी आंखों से देखने वाली ये दुनिया है, ये हमने तीन दिन सब कुछ पढ़ा है। जिगुमन जन सेगेगा जिगुछोनी दे इसेयो जिगुछोन दाशी मारेमें ग्लोबल ग्लोबल सिस्टेगा देता मन। तो आजकल जो है वो एक मुल्क नहीं है बल्कि ये ग्लोबलाइज हो चुका है हर चीज। 그래서 우리는 이런 전 세계가 다 열린 이런 시대에 와 있기 때문에 우리는 각각의 사람들이 살고 있는 그들의 세상을 바라보는 눈, 종교, 문화 이런 것들을 자세하게 복음으로 잘 정리해야 합니다. तो हमें क्या है कि इस दुनिया में रहते हुए जो लोग इस दुनिया की आंखों के जरिए इनका कल्चर इनकी रहने सहने के तरीके का उनको हमने कलाम की रूह से देखकर उनको उन चीजों से खबरदार करना है जो उनकी जिंदगी के लिए खतरे का या पस्ती का या तबाही का बात है। 그래서 그들에게 답을 주고 정확한 우리의 눈을 열어서 하나님 말씀을 통해서 눈을 열어서 이 시대를 하나님의 뜻대로 인도받는 그런 우리 그리스도인과 우리 귀한 제자들이 되기를 원합니다. और खुदा आप सबको तफीक ता करे कि ताकि आप उन लोगों को कलाम के जरिए जो सही जवाब है उनको दे सके ताकि आप सही जवाब देने वाले खुदा के शिगिर्द बन सके। आमीन आमीन। जा इजे सुअबल गेलोनल मामुरी हेसिनिका जिगम तो फोरम हाने शिगानिब्दा। हाँ जी वो कहता कि नतीजा भी आपको बता दिया है आपको तारफ भी करवा दिया है तो अब है आपने तो जो तीन दिनों से हम पढ़ रहे हैं उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है उन चीजों को बयान करना है। हाँ जी कैमरा를 열고 여러분이 각각 이번 강의를 들으면서 하나님이 주신 은혜를 언약을 붙잡은 거 한번 포럼해 보세요। हाँ जी बात यह है कि आपने अब अपना कैमरा खोल ले और कैमरा खोल कर अब आपने वो फोरम करना है कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या जो भी आपको कुछ समझ आती है वो